और एक यूएस बेस्ड कंपनी इस एग्जीबिशन का हिस्सा होगी। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को एलाबोरेट करना चाहें तो हम इस एग्जीबिशन के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर वन, जो लोग छोटा कारोबार करते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप 10 से ज्यादा स्टेट से कनेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो लोग गुलबर्ग में पार्टिसिपेट करके साउथ इंडिया के मार्केट में अपना तारुफ पेश कर सकते हैं। जो लोग महाराष्ट्र में कारोबार कर रहे हैं वो कर्नाटक के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा मकसद हमारा ये है कि जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं वो लोग अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें, नए मार्केट एक्सप्लोर करें, नए आइडियाज एक्सप्लोर करें और नए लोगों से कनेक्ट हों। तीसरी इन चीज ये है कि हम जानते हैं हमारी बहुत सारी बहनें लेडीज जो है कारोबार करती हैं, तो हमने एक सेक्शन इसमें ये भी रखा है जहां पर लेडीज के प्रोडक्ट लेडीज के जरिए बनाए जाते हैं वो वहां पर प्रमोट करने का मौका मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन या वुमेन चेन जो है आपस में नेटवर्किंग करती हैं, जो सामान बनाती हैं, उसके कई सक्सेस स्टोरीज रिफा चैंबर ऑफ कॉमर्स के पास है। रिफा से जुड़ी हुई कई गुरुबाग खातीन हैं जो कामयाब कारोबार कर रही हैं। चेन्नई में एक ग्रुप काम कर रहा है, मुंबई में एक ग्रुप काम कर रहा है, कर्नाटक के शहर बीजापुर में ग्रुप काम कर रहा है, एक ग्रुप हैदराबाद में काम कर रहा है खातीन का, एक ग्रुप आंध्र प्रदेश में काम कर रहा है। तो ये सारे इस तरह खातीन जो अपने अपने अंदाज में काम कर रही हैं मासी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनको यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ में गवर्नमेंट के वो स्कीम जिससे हम फायदा उठा के अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में रहनुमाई की जाएगी। सवाल ये उठता है कि इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस एग्जीबिशन में हर एक बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी दो ही कंडीशन है, उसका बिजनेस लीगल हो, नंबर टू उसका बिजनेस शरिया कंप्लाइंट हो। मिसाल के तौर पर इंडिया में शराब बनाने पर बेचने पर पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन गैर शरई है, अनएथिकल है, तो इस तरह के बिजनेस को हम वहां पर अलाउ नहीं करेंगे। ये इसकी ब्रॉडर गाइडलाइन है। इसमें इंशाल्लाह 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स होंगे, 4 दिन का ये इवेंट होगा। जिस जगह पर ये इवेंट मुनाकिद किया जा रहा है, एग्जीबिशन मुनाकिद किया जा रहा है वो 5-story शॉपिंग मॉल है। वो मॉल अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां पर 300 से ज्यादा दुकानें हैं, उन दुकानों पर जो स्टॉल दिया जाएगा वो दुकानें अलॉट की जाएंगी। उसमें सवाल उठता है कि 5-story मॉल है तो उसमें लोग आएंगे सीढ़ी से, 3 लिफ्ट है उसमें, 6 एस्केलेटर है, 3 सीढ़ियां हैं, 3 तरफ से उसकी एंट्री है, 1 फ्रंट से है और दोनों तरफ से 3 एंट्री है, तो सब तरफ से वहाँ एक्सेस है। सेंट्रल बस स्टैंड के सामने है रोड के, एक तरफ बस स्टैंड है, दूसरी तरफ ये मॉल। इस 4 दिन के इवेंट में मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी। एक तो वो लोग हैं जो अपना सामान वहाँ ले जाकर बेच सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोई कपड़ा बनाता है, कपड़ा है, किसी के पास इमिटेशन ज्वेलरी है, किसी के पास फर्नीचर है, या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कंज्यूमर आइटम हैं, काउंटर से बेचे जा सकते हैं, आप वहाँ पर ये सामान डायरेक्ट स्टॉल लगाकर बेच सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो लोग अपना सामान बनाते हैं बिजनेसमैन को बेचने के लिए, कोई कंपोनेंट बनाता है, कोई हार्डवेयर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाता है, कोई मशीन बनाता है, तो वो लोग वहाँ पर अपने वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके जो बिजनेसमैन उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये है और उसके लिए अलहमदा कोशिशें जारी हैं कि इंशाल्लाह इस एग्जीबिशन में जहाँ 300 से ज़ायद एग्जीबिटर्स होंगे वहीं इंशाल्लाह 20 से 25 हज़ार विजिटर्स होंगे। ये विजिटर्स सिर्फ गुलबर्गा शहर या डिस्ट्रिक्ट के नहीं होंगे बल्कि गुलबर्गा शहर के आसपास के 200 किलोमीटर में जो सिटीज़ आते हैं वहाँ पर रिफा उसका प्रमोशन कर रहा है। साथ साथ में इस एग्जीबिशन में रिफा के जहाँ जहाँ चैप्टर्स हैं, जितने स्टेट में काम है, वहाँ से ट्रेड डेलीगेट आने वाला है। तो इस तरह से इसमें ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से लोग आने वाले हैं। एक और फीचर इस एग्जीबिशन का ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक स्टेप आगे भी बढ़ गए हैं, मुख्तलिफ ममालिक इंडिया में अपने सफीर, एम्बेसडर
मुतय्यन करते हैं, उनके अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं। उसी में एक डिपार्टमेंट होता है बिजनेस डेवलपमेंट का। मुख्तलिफ ममालिक अपने एम्बेसी में ट्रेड अटाचे, ट्रेड कमिश्नर, ट्रेड काउंसलर या इकोनॉमिक सेक्रेटरी के नाम के एक पोस्ट पर ऑफिसर्स को मुतय्यन करते हैं। इनका काम यह होता है कि इंडिया से उस मुल्क में अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। हमारी कोशिश यह है कि इस एग्जीबिशन में कम से कम 4 कंट्रीज के ट्रेड कमिश्नर, ट्रेड काउंसलर या ऑनरी काउंसल जनरल आए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है, कजाकिस्तान के ऑनरी काउंसल जनरल प्रिंस नासर अली खान साहब ने ऑलरेडी अपना कंफर्मेशन दे दिया है कि इस एग्जीबिशन में एक दिन के लिए वो आएंगे और एग्जीबिटर से इंटरेक्ट भी करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी ये बताया है कि कजाकिस्तान में 4 इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है मतलब होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है और हेल्थ सेक्टर है। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि पेट्रोलियम सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इंशाल्लाह इसके अलावा और दूसरे मौलिक से हमारी कोशिश जारी है कि वहां से भी लोग शामिल हों। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इस एग्जीबिशन के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि हम इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आप इस एग्जीबिशन में 2 तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप कारोबार करते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं कर्नाटक में, साउथ इंडियन मार्केट में या इंडिया के 10 से ज़्यादा स्टेट के लोगों से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसमें स्टॉल ले सकते हैं। 4 दिन का स्टॉल लगा सकते हैं, उसमें जो लोग एग्जीबिटर विजिटर्स आएंगे वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है, आपका कारोबार आपको लगता है कि नहीं अभी मैं इस पोजिशन में नहीं हूँ कि इन्वेस्ट करूँ, तो आप इस एग्जीबिशन को विजिट कीजिए। कौन कौन से बिजनेस मार्केट में चल रहे हैं उसका आइडिया आएगा, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में आपको आइडिया आएगा। आप किसी के सप्लायर बन सकते हैं, आप किसी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, कोई नया आइडिया आपके जहन में आ सकता है। साथ साथ में कुछ नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स आएंगे इसमें, जो पावर पैक सेशन होगा कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। अभी आखिरी बात, इस एग्जीबिशन में जो लोग स्टॉल लगाना चाहते हैं उसकी कीमत है, उसमें 3 साइज के स्टॉल है, 130 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट और 250 स्क्वायर फीट। 130 स्क्वायर फीट का जो स्टॉल है उसके 4 दिन के चार्जेस जो हैं 10,000 रुपये हैं, 200 स्क्वायर फीट का जो स्टॉल है उसका 15,000 है और 250 स्क्वायर फीट का जो स्टॉल है उसकी कीमत चार्जेस जो है वो 20,000 रुपये है। इस मौके पर बिजनेस समिट लातूर में आपके सामने एक ऑफर, एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। जो लोग रिफा के मेंबर बनेंगे उनके लिए इस एग्जीबिशन में इस रेट पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बिजनेस समिट में जो लोग शामिल हैं अगर आप रिफा के मेंबर बनते हैं और इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टॉल लेना चाहते हैं, तो आपको 50% डिस्काउंट पर ये स्टॉल्स मुहैया कराए जाएंगे। यानी 10,000 का स्टॉल आपको 5,000 में मिलेगा, 15,000 का स्टॉल 7,500 में मिलेगा और 10,000 का स्टॉल आपको 20,000 का स्टॉल आपको 10,000 में मिलेगा। ये कुछ बातें थी। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप जो है वो उसमें 3 तरह की मेंबरशिप है। सिल्वर मेंबरशिप जो सालाना होती है उसकी फीस जो है 1,000 रुपये है। गोल्ड मेंबरशिप, अगेन इसकी जो मेंबरशिप होती है वो सालाना होती है, इसकी फीस 3,000 रुपये है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्लैटिनम मेंबरशिप है जिसके चार्जेस 25,000 रुपये हैं। जब आप रिफा के मेंबर बनते हैं तो ये एक ऑफर आपके सामने आया है कि जहां 10,000 के बजाय आपको 5,000 में स्टॉल मिलेगा। इसके अलावा रिफा की सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं पूरे इंडिया में,
आप रिफा के मेंबर बनते हैं इसका यह मतलब नहीं कि आप रिफा लातूर चैप्टर के मेंबर बने हैं। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर आप बने इसका मतलब आपको रिफा का जो 18 स्टेट में 150 डिस्ट्रिक्ट में जो नेटवर्क है, जो प्रेजेंस है, इस पूरे नेटवर्क का आप हिस्सा हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप किस चैप्टर के मेंबर हैं, आप रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, मतलब पूरे इंडिया में आपकी ये मेंबरशिप वैलिड है। जो लोग प्लैटिनम मेंबर बनते हैं उनकी मेंबरशिप जो है 10 साल के लिए होती है, और बहुत सारी उसकी डिस्काउंट और स्कीम्स और ऑफर है। अभी एग्जीबिशन में जो लोग गए थे बांग्लादेश, जो 4 दिन का एग्जीबिशन था, उसमें रिफा ने उनको जो 30% डिस्काउंट दिया। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे जो मेंबर बनने से आपको फायदा होगा। ऐसे बहुत सारे पेड प्रोग्राम हैं जिसमें फ्री में आपको एंट्री मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको सामने रखी है। जो लोग इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो प्रोग्राम के बाद भी मुझसे मिल सकते हैं, और बाहर काउंटर पर जो है वो फॉर्म दिए जा रहे हैं, वो फॉर्म भी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जो लोग अभी आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो इधर लेफ्ट में जगह काफी है, इधर आगे की जगह अगर फिल करेंगे तो पीछे आने वालों के लिए आसानी होगी। अभी यहाँ पर हमारे पास मेहमान आ चुके हैं, मिस्टर गोपाल पवार साहब, जो मैनेजर हैं DIC लातूर के। मैं इनसे, जनाब अफजल बेग साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनका इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह। इसके बाद यहाँ पर शोलापुर से आए हुए यासिन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और बिजनेस के ताल्लुक से अपने ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सभी मेहमान आज जो रिफा की तरफ से आए हुए हैं उनका मैं रिफा लातूर की यूनिट से इस्तकबाल करता हूं, और सभी लोगों का जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली संडे रहने के बावजूद आज जो अपना रेस्ट का डे होता है, आपने वक्त की कुर्बानी दी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका अजर देगा, और ये वक्त की कुर्बानी आप अपने लिए देना ज़रूरी है। जी, मेरा नाम शेख यासीन है, मैं रिफा चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री सोलापुर का चैप्टर यूनिट हूँ, हेड हूँ। सॉरी, तो आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया, मैं सभी तिजारत करने वाले हजरात यहाँ पे मौजूद है। मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट से शुरू करता हूँ जो अपने मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, नॉलेज विल गिव यू द पावर बट कैरेक्टर विल गिव यू द रिस्पेक्ट। नॉलेजेबल आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे बाहर जो बिजनेस भी कर रहे हैं, हर टाइप के बिजनेस में हैं, लेकिन आपको कैरेक्टर भी अपना बिल्ड करना ज़रूरी है। जैसे आपको पता है हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत अपनी सीरत से दी थी, तो ये बहुत ही अहम हम सब लोगों के लिए है कि हम लोग हमारा कैरेक्टर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एक बात होगी। दूसरा, मैं एक छोटी सी मतलब एक टॉपिक लेकर आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप अ बिजनेस माइंडसेट। सब लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस का माइंडसेट कैसे डेवलप करना है? आपको पता है आज का जो जमाना चल रहा है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज का जमाना चल रहा है, और इस कॉम्पिटिटिव एज में अगर आपको सही तरीके से बिजनेस करना है तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको अपना बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कम्युनिटी। जब भी हम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यू शुड हैव अ लैटरल काइंड ऑफ थिंकिंग, हट के सोचना पड़ेगा आपको। और आप जैसे जानते हैं
महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑल राइट। तो यहाँ पे इतने कॉम्पिटिशन है हर कारोबार में, जब तक आप अपने आप को सही से डेवलप नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड बिजनेस कैसे करना है, गोल को कैसे सेट करना है, तब तक आप सही तरीके से कारोबार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है बिजनेस को, बिजनेस माइंडसेट का डेवलपमेंट होना है। बिजनेस माइंडसेट का डेवलपमेंट होने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको आपके बिजनेस के अंदर एक गोल सेट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने बिजनेस में गोल सेट नहीं करेंगे, इट इज एज गुड एज दैट यू आर रनिंग इन द डार्कनेस, यू डोंट नो वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड वेयर टू रीच। ये तो ऐसे होगा कि भाई आप बगैर लाइट की रोशनी में दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं जाना कहाँ है। और मैंने जहाँ तक मेरा ताल्लुकात है, मैं एक बिजनेस कोच, कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स को मिलता हूँ, मेरा बहुत सारा ट्रैवलिंग भी होता है पैन इंडिया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता हूँ। तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि वो बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन गोल सेट ही नहीं किया हुआ अपने बिजनेस में कि भाई डाउन द लाइन 2 ईयर्स, डाउन द लाइन 5 ईयर्स करना कहाँ है, पहुँचना कहाँ पे है, जाना कैसे है, और बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसकी वजह से। तो सेटिंग अ बिजनेस गोल इज हाफ वे डन। जब तक आप अपना बिजनेस गोल सेट नहीं करते, तब तक आपको रिजल्ट का भी पता नहीं चलेगा और आपका क्या प्रोग्रेस हो रही है वो भी पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए आपको बिजनेस का गोल सेट करना जरूरी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि भी बिजनेस गोल में भी स्मार्ट गोल जो होते हैं वो सेट करना जरूरी। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड और रियलिस्टिक। इस तरह से आप अपने बिजनेस को गोल सेट कर सकते हैं और अपने हर एक्टिविटीज को मेजर करके गोल के तरफ आप कैसे जा रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा टाइम इतना ही था। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बट बहुत ही ऑनर्ड स्पीकर्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके बाद यहीं पर मिलूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुह। जज़ाकअल्लाह यासिन साहब। अभी मैं आपको जो लेट आए हुए हैं लोग उनको खाली शॉर्ट में एक अगला प्रोग्राम बताता हूँ। इसके बाद एक हमारे जनाब हारिस साहब हैं, उनका यहाँ पर एक PPT प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद जो हमारे गोपाल साहब हैं, पवार साहब, जो आए हुए हैं हमारे पास खास मेहमान, तो इनकी एक स्पीच होगी। उसके बाद जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के ताल्लुक से हमको बताएंगे, और उसके बाद में बहुत अहम सेशन है, जनाब अफजल मिर्ज़ा बेग साहब जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने ख्यालात पेश करेंगे इसके बाद। और बाद में एक ओपन सेशन रखा गया है, किसी को अगर कुछ सवाल जहन में है तो अभी से सोच के रख सकते हैं, आपको ओपन सेशन में इसका मौका दिया जाएगा। तो इसके बाद मैं मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज के दाएं जानिब बैठ जाएं। इसके बाद एक PPT प्रेजेंटेशन होगा जो जनाब हारिस साहब इसको आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का संडे के दिन मॉर्निंग टाइम अपना बहुत कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आने का। तो आपके वक्त कीमती वक्त को और कीमती बनाने के लिए इस नियत से हमारा एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन है। ये ट्रेनिंग के लिए मैंने बहुत पैसे दिए हैं, बाकायदा लोगों ने लाख रुपये के ऊपर पे किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ये खास ट्रेनिंग के लिए। और ये ट्रेनिंग मैं सबसे गुजारिश होगी कि ये ट्रेनिंग से अपने अपने नोट पैड में जो है ये सीक्वेंस आप अच्छे से लिख लें। ये पूरी ट्रेनिंग का मकसद ये है कि
कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ऐसा लॉ है, क्या ऐसा उसूल है, क्या ऐसा सीक्वेंस है जिससे आपकी कोई भी बिजनेस को आप कामयाब बना सकते हैं? अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उसे कामयाब बना सकते हैं, अगर एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है तो उसको रीफ्रेम कर कर अपने उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी कामयाब कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा, बल्कि इसके साथ साथ जो है ये पूरे आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगा इंटरनेशनल कंपनियों का और अपने इंडिया के कुछ अच्छे कंपनियों का और लोकल कंपनियों का जिन्होंने ये फ्रेमवर्क फॉलो किया, और इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए माशाल्लाह उन्होंने सालों साल अपनी सक्सेस और अपनी कंपनी की कॉम्पिटिशन को, अपनी कंपनी की वैल्यू को मेनटेन किया। आपको पता होगा ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज फेल इन इनिशियल 3 ईयर्स, और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो हैं वो प्रॉफिट, कर्जे एंड मैनेजमेंट, कंपटीशन, इसमें अपना पूरा वक्त लगाते हैं। तो एक सिंपल सा सवाल से मैं ये अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से सबसे अहम चीज़ क्या है एक बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए? सबसे पहली और अहम ज़रूरत क्या है एक बिजनेस को कामयाब करने के लिए? अगर मैं कोई अगर हाथ उठाकर जवाब देना चाहते हैं कि सबसे अहम चीज़ क्या है, जी प्लान और कैपिटल, माशाल्लाह बैंकर हैं हमारे मेंबर ये, और कैपिटल बता रहे हैं बहुत अहम चीज़ है माशाल्लाह। और कस्टमर की नीड, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेसिकली हमारे पहले स्लाइड पर जाएं, सबसे अहम चीज़ कस्टमर की नीड भी ज़रूरी है, कैपिटल भी ज़रूरी है, आइडिया भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत जंप करते हैं, जवान खूनों में बहुत होता है कि आइडिया होना चाहिए। तो सबसे अहम चीज़ कोई बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो है कोई प्रॉब्लम। जैसे कस्टमर की नीड हज़रत ने बताया, तो कस्टमर की प्रॉब्लम, आप कोई भी इंडस्ट्री में उतर रहे हैं तो आपको समझना है सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करूँगा, कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करूंगा। मैं आपको मिसाल देके बताऊं तो इन अराउंड 1970s वियतनाम वॉर का मामला हुआ। वियतनाम का वॉर हुआ तो US में जो है जवान लोगों को they were coerced टू गो फॉर अ वियतनाम वॉर, उनको वियतनाम वॉर पे जाने के लिए भेजा जा रहा था। अगर आपने सुना होगा, अगर ये वॉर का नहीं पता तो मोहम्मद अली का तो ज़रूर पता होगा कि उन्होंने रिवॉल्ट किया मोहम्मद अली बॉक्सर ने कि भाई हमें नहीं जाना किसी और कंट्री में जाके किसी और गरीबों को नहीं मारना, तो उन्हें बॉक्सिंग लाइसेंस से उन्हें कैंसिल कर दिया गया था। तो उसी टाइम एक कंपनी उभरी जो अभी तक माशाल्लाह अभी तक हम सब लोगों के जहनों में और सब लोग मार्केट में लीडिंग कंपनी बनी, वो है एप्पल कंप्यूटर्स। सब लोग यहाँ पर माशाल्लाह जानते हैं एप्पल कंप्यूटर्स, राइट? तो एप्पल जो माशाल्लाह पूरे दुनिया में मशहूर है, उनकी स्टार्ट बहुत ऐसी ही रही कि उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर फोकस किया कि उस ज़माने में कंप्यूटर्स जो थे वो एक बड़ी मशीन की तरह थे, वेरी फ्यू पीपल कुड ऑपरेट देम, बहुत कम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते, बहुत कम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते। तो उनका कॉन्सेप्ट था, स्टीव वॉजनियाक हु वाज़ अ डिज़ाइनर जिन्होंने चिप बोर्ड बनाया, और स्टीव जॉब्स, कि हमें कंप्यूटर को पर्सनल बनाना है, हमें लोगों के हाथ में ये पर्सनल ताकत देनी है सो दैट दे कैन बिल्ड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ थिंग्स। मतलब लोगों के पास पोटेंशियल है, उन्हें हमें ये पावरफुल टूल देना है कॉम्पैक्ट साइज में, ताकि दे कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो ये प्रॉब्लम से उन्होंने शुरू किया पर्सनल कंप्यूटिंग में शुरू करते हुए, फिर उन्होंने मार्केट में पूरा टेक ओवर किया, MP3 में ये पर्सनलाइजेशन लाया, MP3 प्लेयर्स ऑलरेडी भी थे मगर iPod आने के बाद गेम चेंज हो गया, मोबाइल्स बहुत सारे थे मगर फिर मोबाइल का भी उन्होंने पर्सनलाइजेशन एलिमेंट कंज्यूमर के साथ इतना बनाया, दे कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग दिस ऑब्सेशन। पहली चीज दैट इज प्रॉब्लम, स्लाइड नंबर 1। तो ये प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, ये यही प्रॉब्लम है। मैं अपनी एक प्रीवियस कंपनी का एग्जाम्पल दूंगा, व्हाइट हैट जूनियर, अगर आपने ये कंपनी का नाम सुना है तो एजुकेशन अपनी जो रेगुलर स्कूलिंग की जो एजुकेशन है बड़ी डल और बड़ी स्कॉलास्टिक इंटेलिजेंस, मतलब एक ही इंटेलिजेंस पे फोकस्ड है कि बच्चा कैसे याद कर सकता है और कैसे उसे उगाल सकता है, बेसिकली मगिंग अप कैपेसिटी
और मेमोराइजेशन कैपेसिटी के ऊपर पूरा फोकस देते हुए एजुकेशन इंडस्ट्री चल रही है। तो ये कंपनी हमने स्टार्ट किया 2019 में। आई वॉज पार्ट ऑफ द इनिशियल टीम जो सेल्स में थी, वहाँ पर सेल्स मैनेजमेंट में और एकेडमिक काउंसलिंग में। तो हमने एक साल के पीरियड में, सबसे पहले तो हमारा हमने ये प्रॉब्लम समझा कि बच्चों को छोटी उम्र में क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने के ऑप्शंस बहुत कम हैं। कि वो लोग अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें और कुछ नई चीज़ बनाएं, रादर देन जो बनी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ के फिर एग्ज़ाम में उसे लिखें, जो अभी भी माशाल्लाह बहुत सारे स्कूलों का निज़ाम है। तो हमारा ये था कि बच्चों को एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट बेस्ड बनाना है, क्रिएटिव थिंकर बनाना है, तो हमें उन्हें कुछ करने लगाना होगा, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग जिसे कहते हैं। तो वो प्रॉब्लम हमने समझी कि बच्चों को डेवलप करने के लिए हमें ये छोटी उम्र में, स्पेशली 6 to 8, 3 to 6 years की एज में बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं, बट पेरेंट्स डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस दैट राइट। तो क्या होता है, स्कूलों में डाल देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और बच्चों के वो क्रिएटिव जूसेस जो आते हैं वो चले जाते हैं। तो व्हाइट हैट जूनियर में हमने ये प्रॉब्लम को क्लियरली समझा और ये प्रॉब्लम पे हमने एप्लीकेशन बनाया कि हम बच्चों को बुलाते और उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो माशाल्लाह हमारे बहुत सारे इंजीनियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम उन्हें छोटे छोटे गेम्स खेलते हुए बनाना सिखाते कि वो गेम्स बनाएं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला गेम बनाएं या एप्लीकेशन बनाएं, और उसके साथ साथ जो है उनका सीखना हो जाए। तो माशाल्लाह, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने 2 साल में इस कंपनी को 3,000 करोड़ में बायजूस को बेच दिया। बहुत ही कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हमने ये शुरू किया, मगर प्रॉब्लम फोकस थे, हमारा पूरा फोकस था कि हमें ये बच्चों की एजुकेशन का प्रॉब्लम जो है, छोटी उम्र के बच्चों का एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है, उन्हें क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने का जो प्रॉब्लम है, वो हमें सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम के वजह से माशाल्लाह हमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मिली और हमने 3,000 करोड़ में, बायजूस ने हमें ऑल कैश डील में, मतलब ये पूरा पैसा कैश में दिया गया था 3,000 करोड़ रुपये, जिसमें हमने 1,500 करोड़ रुपये इन्वेस्टर्स को दिए और 1,500 करोड़ रुपये हमारे फाउंडर ने लिए और हमारी टीम में भी डिस्ट्रीब्यूट हुए कि मैं घर पे बैठे बैठे जो है मैं भी माशाल्लाह लाखों में कमा रहा था। लॉकडाउन के पीरियड की बात है, लॉकडाउन के टाइम में हमने किया और माशाल्लाह बाद में एड्स भी देख रहे हैं इस कंपनी के बारे में। तो बिफोर गोइंग टू द एनी पर्टिकुलर कंपनी, सनरिच भी एक एग्जाम्पल है अपने लातूर का। अगर आप पर्सनल अगर देखें तो उन्होंने भी लातूर में पहले ऑक्सीरिच, मानिकचंद और दूसरे दूसरे ब्रांड्स के एक्वाफीना, इनके वो रिकॉल, इनके बॉटल्स ही ज़्यादा बिकते थे। सनरिच ने इसको समझा कि पानी तो हमें कहीं भी मिल सकता है, अगर हम पैकेजिंग यूनिट बनाएं और उसके जो कैप्सूल्स होते हैं जिससे बॉटल्स बनते हैं, अगर उसका यूनिट बनाएं तो हम पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो संदेश ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे जितने प्लास्टिक बॉटल कंपनीज हैं उनके लिए भी सप्लाई करना शुरू किया, वो मिनीस्क्यूल कैप्सूल्स जो प्लास्टिक के आते हैं जिसको बनाकर आप बॉटल बना सकते हैं। तो संदेश ने भी पूरा मार्केट कैप्चर किया। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ये प्रॉब्लम के ऊपर स्पेंड किया है ताकि आप लोगों को मैं याद दिलाऊं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो या फिर नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, प्रॉब्लम इज द की, कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें और ऐसे सॉल्व करें कि वो कस्टमर हो या कोई हो, वो आपके बगैर वो प्रॉब्लम सॉल्व ना करना चाहे। अगर आपने ये चीज़, ये पहला पॉइंट बहुत अहम अगर समझ लिया तो फिर उसके बाद सीक्वेंस में पूरी चीज़ें हैं। गो टू स्लाइड नंबर 2। हाँ, ये प्रॉब्लम किन किन लोगों को, अगर आप कोई प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया उसको सॉल्व करना है तो वो किन किन लोगों को वो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इमीजिएटली आपके कस्टमर्स पता चल जाएंगे। आप ये जब समझने लगे, लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फिर कस्टमर ढूंढने जाते हैं कि किसको ये प्रोडक्ट चाहिए। लोग जो है, अगर आप ये साइकिल अगर देखें, प्रॉब्लम, प्रॉस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड पोजीशन, प्रोसेस, प्रॉफिट और पर्पस, ये ऐसा 8 का सीक्वेंस है। ये 8 के सीक्वेंस में लोग क्या करते हैं, अरे मुझे इसमें प्रॉफिट, किसी में प्रॉफिट मिल जाएगा, ये धंधे में प्रॉफिट है भाई, बोल के धंधे में उतर जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे पास लोग सही हैं, काम करने वाले कारीगर हैं, चलो भाई पीपल सही है, काम शुरू कर देते हैं। मगर काम शुरू करना हो या काम को सही करना हो, हम प्रॉब्लम से शुरू करें। हम प्रॉब्लम से हमारे कोई भी बिजनेस को शुरू जब अगर करें तो सब चीज़ें लाइन में आएंगी। फिर प्रॉब्लम के बाद आपको उसी प्रॉब्लम को, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लोगों को आप पकड़ना आपके लिए आसान होगा। दैट इज़ प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट वो लोग हैं जो वही प्रॉब्लम्स के साथ, वो प्रॉब्लम्स उसी सेम लोगों को महसूस हो, राइट? और फिर तीसरे, इसमें आपने जब कस्टमर समझ लिया
प्रॉब्लम समझ ली, कस्टमर समझ लिया, तो फिर लोग, ऐसे कौन से लोग होंगे जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरे लिए बेहतरीन होंगे, किसके पास सही स्किल सेट है, माइंडसेट है, और कौन ये प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। आमतौर पर हम ये फिक्र करते हैं कि भाई हम लोगों को ट्रेन करेंगे, लोग चले जाएंगे। भाई आप ट्रेन नहीं करोगे और वो रह जाएं, ये ज़्यादा नुकसान की चीज़ है, क्यों आपके साथ वो खुद भी डूबेंगे और आपको भी लेके डूबेंगे। मगर अहम चीज़ क्या है कि एक मिसाल इसके ऊपर दूंगा बहुत अहम, कि जब पहला प्लेन तैयार हो रहा था तो दो टीम थी जो कॉन्स्टेंटली फाइट करी थी पहले प्लेन को लॉन्च करने के लिए, वर्ल्ड वॉर से पहले। एक टीम थी जिसको थॉमस एडिसन, जो तब तक के बहुत मशहूर इन्वेंटर बन चुके थे, उनके पास फंड था, उनके इन्वेस्टमेंट टीम वाले जो लोग थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे लाखों करोड़ों रुपए लगाकर प्लेन बनाने के लिए। बेहतरीन टीम, बेस्ट इंजीनियर्स, दुनिया के तमाम सहूलतें वाले लोग एक जगह पर काम कर रहे थे, और एक जगह पर राइट ब्रदर्स काम कर रहे थे। ये राइट ब्रदर्स वो दो भाई थे जो साइकिल का काम करते थे, मगर उनकी पूरी टीम में ये जज्बा था कि पूरे दुनिया को हम ऐसा पहला इंस्ट्रूमेंट देंगे जो पूरी दुनिया में उड़ेगा, जो लोगों को बहुत कम वक्त में बहुत लंबा सफर करवाएगा। तो ये एस्पेक्ट दिमाग में रखते हुए वो टीम जो है उन्होंने बहुत सारे फंड्स, बहुत सारे डिग्रीज, बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्ट वाले लोगों को बीट कर दिया। तो आपको अगर सही टीम लाना है और सही टीम में जुड़ना है तो उन सब का आपके प्रॉब्लम के साथ जुड़ाव होना जरूरी है, कि वो सब आपके मकसद के जुड़े, वो सब आपको समझें और वो उसी मकसद को लेकर आगे चले। नेक्स्ट स्लाइड। जब आपको वो सही लोग मिले तब जाकर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस में आए। लोग क्या करते हैं, सामान लिया, चलो भाई शुरू कर देते हैं, मेरे पास सामान है। कस्टमर के लिए भी परेशानी होती है, कंपटीशन भी बहुत है, अरे लोग भी नहीं मिल रहे हैं, अरे मार्जिन कम है, अरे ये प्रोडक्ट लाने के लिए पैसा नहीं है। ये सब मसले क्यों आते हैं? क्योंकि आप शुरुआत के तीन स्टेप छोड़ रहे हैं, आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास वो प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है वो प्रॉस्पेक्ट नहीं है, वो कस्टमर नहीं है, और वो लोग आपके पास नहीं है जो आपकी ये प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए हैं। तब उसके बगैर आप सीधा प्रोडक्ट पे घुस जाते हैं या सर्विस में घुस जाते हैं, तो जाकर हमेशा ये गाड़ी अटक जाती है। जितने सारे लोगों से पूछो, कोई भी दुकान पे जाकर अगर पूछो कि भाई क्या हो रहा है, बोल तो अरे साहब बहुत परेशान हूँ, कंपटीशन बहुत हो गया है, माल कर्जा, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, मगर माल बिक रहा नहीं है, माल को हमें वही भाव पे भेजना है, नहीं तो कोई और बेच देगा। तो आप प्रोडक्ट पे चौथी स्टेज पे पहुंचे, उससे पहले नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेज में प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग, कि जब आपने प्रोडक्ट लिया आपको कौन से कस्टमर सेगमेंट को कैप्चर करना है। अगर आपका प्रॉब्लम है, अगर समझ लिया आपका प्रॉब्लम ऐसा है बाटा जैसा, कि आपको चप्पल बनानी है, लोगों को अच्छी क्वालिटी चप्पल, लॉन्ग ड्यूरेबल देनी है लो क्वालिटी की, तो आपका वो मार्केट सेगमेंट है, वो आपकी पोजिशनिंग है। और या फिर आपका एडिडास का है कि आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को फोकस कर रहे हैं और आपको वो लेवल के लोगों को टारगेट करना है, उनके हिसाब से आपकी पोजिशनिंग होगी, आपका डायनामिक्स होगी। जब आपके ये पूरे स्टेजेस सही हुए, प्रॉब्लम आपने समझा, आपको कस्टमर समझ में आया, लोग सही जुड़े, प्रोडक्ट सही बना, प्राइसिंग और पोजिशनिंग आपकी सही हुई, तभी जाकर आप कोई प्रोसेस बनाएंगे और फिर स्केल करेंगे। लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई मैं पैसा लाके बिजनेस को बड़ा कर दूंगा। नहीं, बल्कि अगर आप ये पहले 5 प्रोसेस सही कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सही समझ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट आपके कस्टमर साथ में है, लोग साथ में है, प्रोडक्ट साथ में, प्राइसिंग और पोजिशनिंग आपने सही बिठाई है, तब जाके आप प्रोसेसेस लाएंगे और इसको बड़ा करेंगे, प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस आपकी बेहतर करेंगे, और फिर 7वें स्टेज पर जाकर आता है प्रॉफिट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे को प्रॉफिट में, ये धंधे में प्रॉफिट है मैं करूंगा, तो ऐसे धंधे नहीं होते। आप जब वो पूरे चीजें सही करेंगे तो तब जाकर आपको प्रॉफिट दिखता है, कि भाई ये कमाई का फायदे का जरिया है, और फिर आप वो प्रॉफिट का क्या करेंगे, ये पूरे प्रोसेसेस को और मजबूत करने लगाएंगे, अपने पास कुछ रखेंगे और पूरे ऊपर के प्रोसेस को हमेशा, कभी भी अगर आप कहीं पर अटके हैं आपके बिजनेस में, तो आप ये सीक्वेंस को याद रखिए, कि या तो आपने प्रॉब्लम नहीं समझा, आपको उस हिसाब से कस्टमर नहीं है और लोग नहीं है और प्रोडक्ट नहीं है, ये सीक्वेंस जब आपने छोड़ा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि ये सीक्वेंस में होना जरूरी है। अगर इसमें कोई भी चीज आपकी, अगर कहीं पर भी आप अटक रहे हैं, प्रॉफिट मिल नहीं रहा है या ज्यादा दिनों तक नहीं मिल पा रहे, कॉम्पिटिशन बहुत है, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो ये सब चीजें आपकी ये सीक्वेंस सही नहीं फॉलो करने पर है। तो इसलिए सीक्वेंस को माशाल्लाह आप अपने पास नोट करिए, और किसी को और डिटेल में जानना है तो और मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पर्पस। ये पर्पस जो है, लोग फिर आपको पहचानना शुरू कर देंगे कि भाई ये हजरत ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बेस्ट है। लास्ट एग्जांपल ये दूं कि हमारे पास और लोग हैं जो इसी मॉडल्स पे काम कर रहे हैं,
जैसे कि मुख्तार शेख साहब हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सिटी के हार्ट में, वो एक रेजिडेंशियल टाउनशिप बना रहे हैं कि प्लॉट्स, हमारे पास प्लॉट्स का चलन है लातूर में कि प्लॉट्स बेचते हैं सिटी के किधर कोने में, रोड नहीं बनी हुई है, म्यूनसिपालिटी नहीं है, सैनिटरी नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, मगर नहीं हमें प्लॉट लेना है, घर बनाना है, कंफर्ट लग्जरी में अकेले अंदर घर में रहेंगे, बाहर की दुनिया कैसी भी रहे। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हुए सिटी के बीच में एक टाउनशिप का प्लान किया है जिसमें वो टावर्स बनाएंगे और लोगों को वही कंफर्ट लाइफस्टाइल जो रो हाउस में अकेले मिलता है वो देते हुए उन्हें पूरी एमिनिटीज दी जाएगी कि स्विमिंग पूल होगा, गार्डन होगा, लर्निंग सेंटर होगा, कम्युनिटी सर्विस होगी, म्यूनसिपालिटी पूरी चीज़ें, ये प्राइवेट कम्युनिटी में जैसे सिटीज़ में होता है वैसे किया जाएगा। ऐसे और लोग भी हैं लातूर में माशाल्लाह जो ये मॉडल पे काम कर रहे हैं कि प्रॉब्लम से शुरू करें, आप अपने कस्टमरों के प्रॉब्लम समझें, आप अपनी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम समझें और उसको ऐसे सॉल्व करें जो आपसे बेहतर कोई ना कर सके। वो ऑब्सेशन जब आप करेंगे तो 8-10 साल माशाल्लाह आपको कोई नहीं पकड़ सकेगा। उम्मीद है आपको इससे ज़रा सा फ़ायदा हुआ है एंड आई विश ऑल एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट विद देयर फ्यूचर्स। और ये रिफा की हमारी मीट में जुड़कर इंशाल्लाह ऐसे और बहुत सारे कॉन्फ्रेंस आपको इंशाल्लाह सीखने मिलेंगे। जज़ाकअल्लाहु खैर। ये थे सैयद हारिस साहब जो आपके सामने बिजनेस आइडियाज पेश कर रहे थे। इसके बाद मैं अगले सेशन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा हूँ। हमारे जो यहाँ पर मेहमान आज आए हुए हैं DIC के मैनेजर साहब जनाब गोपाल पवार साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और गवर्नमेंट सब्सिडीज के बारे में हमें आशना करें। नमस्कार, मी गोपाल पवार, जिल्हा उद्योग केंद्र म्हणजे DIC लातूर इथं सध्या 4 महिने झालं मी कार्यरत आहे, पण रहिवासी मी याच जिल्ह्याचा आहे। मराठी सर्वांना कळतं आहे? येस, ओके। माझं इथं प्रोमोशन झालं आणि 4 महिने झालं आपला जिल्हा म्हणून मी इथं घेतला आणि मी इथं आलो, 4 महिने झाले इथं काम करतो। याच्या पहिले मी हिंगोलीला होतो 7 वर्ष, इन्स्पेक्टर म्हणून काम केलं 7 वर्ष हिंगोलीला। आता बऱ्याच उद्योगधंदे करू इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना कोणत्या वेळेला कोणता उद्योग कधी चालू करावा हे समजत नाही, जे की आता सैयद साहेबांनी सांगितलं बघा। नीड बेस उद्योगधंदा निवडावा कसा, त्यांच्या स्टेप कोणत्या सांगितलेलं आहे, परंतु दुर्दैवानं प्रत्येक जिल्ह्याची ही कथाच आहे की 90% लोकांना जिल्हा उद्योग केंद्रे ऑफिस असतं हेच माहीत नाही। इथे किती जणाला माहीत असेल? माहीत नाही। पण ज्या वेळेला आपण उद्योग सुरू करतो त्यावेळेला आपणाला खरी गरज कशाची आहे, तर बँकर्सनी सांगितली बघा कॅपिटलची गरज आहे। अशा प्रत्येक माणूस जो उद्योग सुरू करतो त्याच्याकडं पैसा असेल अशी बाब नाही, पण जो मनापासून उद्योग करू इच्छितो त्याच्याकडं पैसा नाही। जर त्या व्यक्तीनं जिल्हा उद्योग केंद्राशी संपर्क जर साधला, मी आता इथं तुम्हाला माहितीची पुस्तकं देणार आहोत, त्याच्यावर माहिती आहे, आमच्या योजना आहेत, ते पण मी सांगणार आहे, तर बहुतांशी त्यांचा 50% प्रॉब्लेम हा सॉल्व होईल, म्हणजे सुटेल तो प्रॉब्लेम। आता जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत जवळपास सबसिडीच्या 2 योजना आहेत आणि बगर सबसिडीच्या 2 योजना आहेत आणि उद्योग चालू केल्यानंतरच्या लाभाच्या नंतर जो लाभ मिळतो त्याची 1 योजना आहे आणि क्लस्टरची 1 योजना आहे।
जी की या पुस्तिकेमध्ये मी तुम्हाला पूर्ण माहिती दिलेली आहे। आता ज्या आमच्याकडे सबसिडीच्या दोन योजना आहेत त्यात पहिल्या योजनेचं नाव आहे जे महाराष्ट्र शासनाची आहे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, याला कार्यक्रम काय नाव दिलं असेल सांगा बरं। आत्तापर्यंत जेवढ्या योजना काढल्या त्या बुडाल्या, एकही पैसा योजनेखाली घेतलेल्या लाभार्थ्यानं वापस भरलेलं नाही, म्हणून हा कार्यक्रम आहे रोजगार निर्मिती, याच्या नावातच रोजगार निर्मिती कार्यक्रम दिलेला। कारण आता कसं झालंय, शासनाकडे प्रत्येकाला नोकरी देईल अशी परिस्थिती राहिलेली नाही, त्याच्यामुळं स्वतःचा रोजगार सुरू करून दुसऱ्यालाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या या उद्देशाने ही योजना सुरू केलेली आहे। मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना झाली 2019 ऑगस्ट 2019 सुरू झालेली आहे। त्यामध्ये काय होतं सांगतो, त्यामध्ये SC ST आणि महिला हा राखीव फॅक्टर धरण्यात आला होता, म्हणजे यांना 10% जास्त सबसिडी, त्यालाच अनुसरून केंद्राची एक योजना होती प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, त्याच्यामध्ये राखीव प्रवर्गामध्ये SC ST महिला अपंग अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिक त्यांना 10% सबसिडी मिळत होती, पण राज्य शासनाचे जे 10% माजी सैनिक आणि मायनॉरिटीजला मिळायचे ते नव्हतं या ह्याच्यामध्ये। तर असा काल परवा या कालच्या 11 तारखेला जास्त नाही 20-21 दिवस झाले, तर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामध्ये सुद्धा मायनॉरिटीचा राखीव प्रवर्गात समावेश करण्यात आलेला आहे आणि तसा GRA शासनाने काढलेला आहे। आता प्रश्न येतो, हा आमच्या कार्यालयाशी अप्रोच व्हायचा, पण आता शासनाने काय केलं की पहिले हे सगळं मॅन्युअली तुम्हाला फॉर्म भरायला लागायचा, पण आता ऑनलाईन फॉर्म भरायचा, घरी बसून तुम्ही फॉर्म भरू शकता की तुम्हाला तिथं जिल्हा उद्योग केंद्रात यायलाही गरज नाही। आता याच्यामध्ये अटी आहेत CMEGPला म्हणजे चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला, याच्यामध्ये 8, बाकी 2 योजनेमध्ये 8 कॉमन आहेत बरं का, फक्त जी वेगळ्या 8 आहेत ते मी सांगतो। इथं वयाची 8 आहे मुख्यमंत्रीमध्ये, जर राखीव प्रवर्गातील असेल, मी आत्ता सांगितलं तुम्हाला SC ST महिला यांना 50 वर्षापर्यंत सूट आहे आणि बाकी सर्वसाधारणमध्ये येतात त्यांना 45 वर्ष। आता याची मर्यादा सर्व्हिस सेक्टरसाठी, सर्व्हिसमध्ये काही आमचे बिझनेस मोडतात आणि काही मॅन्युफॅक्चरमध्ये मोडतात। सर्व्हिस म्हणजे काय, तुम्हाला एक 2 उदाहरणं सांगतो, ब्युटी पार्लर आलं, मंडप डेकोरेशन आलं, हेअर सलून आलं, तर हे सर्व सर्व्हिस ॲक्टिव्हिटी, आपण फक्त सर्व्हिस देतो। आता उत्पादन ॲक्टिव्हिटी मॅन्युफॅक्चरमध्ये काय आलं, कच्च्या मालापासून पक्का माल तयार करणे, उदाहरणार्थ सिमेंट प्रॉडक्ट, सिमेंटचे ब्लॉक तयार करणे, ऑइल मिल, डाळ मिल, रेडिमेड गारमेंट जे की आपण कपड्यापासून शर्ट तयार करतो, हाय मॅन्युफॅक्चरमध्ये येतात, ह्याला 50 लाखापर्यंतची मर्यादा आहे। पण इथं मर्यादा देत असताना इथं थोडीशी शिक्षणाची अट ठेवलेली आहे, 10 लाखापर्यंत सर्व्हिसला काही नाही, परंतु वयासाठी आम्हाला TC किंवा तुमचा निर्गम उतारा पाहिजे। 10 लाख ते 25 लाखापर्यंत 8वी पास पाहिजे आणि 25 लाख ते 50 लाखापर्यंत 10वी पास पाहिजे, हे मुख्यमंत्रीमध्ये। त्याच्यात तुमचा TC मार्कनोट, KYC साठी जेवढे कागदपत्र लागतात, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, फोटो, TC, हे सर्व कागदपत्र घ्यायचे आणि MHA-CMEGP.gov.in वर जाऊन इंडिव्हिज्युअल फॉर्म भरायचं, तो फॉर्म आमच्याकडे येतो आणि त्यांना स्क्रुटनाईज करतो। 2 मीटिंग होत असतात, त्या प्रत्येक महिन्याला आम्ही ती मीटिंग घेत असतो आणि त्या स्क्रुटनी झाल्यानंतर फायनल मीटिंग एक कलेक्टर साहेबांकडे होत असते आणि कलेक्टर साहेब त्यांना मंजुरी देतातच, ते सर्व आम्ही बँकेकडे पाठवतो।
बँकेकडे पाठवल्यानंतर बँक पण स्क्रुटिनी करते. आता हे सर्व अवलंबून आहे बँकर्सवर. तुम्ही जी बँक तयार कराल त्या बँकेला आम्ही तो प्रस्ताव पाठवतो. आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हाच आहे. आम्ही पाठवून देतो, बँकेनेही ऑनलाईनच मंजुरी द्यायचे आणि तुम्ही ट्रेनिंगही ऑनलाईनच घ्यायची. कारण ट्रेनिंग घेतल्याशिवाय आता सर्विस सेक्टरला 6 दिवस आहे, मॅन्युफॅक्चर सेक्टरला 12 दिवस आहे सर्विस ट्रेनिंग. ती ट्रेनिंग झाल्यानंतर तुम्ही ते सर्टिफिकेट किंवा आम्ही मॅन्युअली देतो बरं का मुख्यमंत्रीमध्ये, ते सर्टिफिकेट तुम्ही बँक मॅनेजरला द्यायचं आहे मंजुरीच्या नंतर बरं का, मगच वाटप करतात बँक मॅनेजर. वाटप केल्यानंतर बँक मॅनेजरला स्वतःला सबसिडी क्लेम करायची पोर्टलवरून. पण कधी ट्रेनिंगचं सर्टिफिकेट दिलं आणि तुम्हाला जी रक्कम मंजूर आहे त्या प्रमाणात तुम्हाला जी सबसिडी बसणार आहे कमीत कमी तेवढी रक्कम त्यांनी पहिल्या इन्स्टॉलमध्ये वाटप केलं पाहिजे. उदाहरणार्थ तुम्हाला 5 लाख रुपये मंजूर केले, 25% सबसिडी आहे, 1.25 लाख रुपये सबसिडी आहे, तर कमीत कमी 1.25 लाख रुपये हा पहिला इन्स्टॉलमेंट तुम्हाला बँकेने वाटप केलेला पाहिजे. तर बँकेला ऑनलाईन क्लेम करता येते. आता क्लेम केल्यानंतर तो क्लेम येतो DIC कडे. DIC व्हेरीफाय करते फक्त काही कमी आहे जास्त आहे काय, कारण काय स्वतःचा हिस्सा काही भरण्यामध्ये बँकेची थोडीशी चूक होत असते. कारण सर्वसाधारणला 10% आहे, बाकीच्याला सर्वांना 5% हिस्सा आहे. त्याच्याप्रमाणे त्या 5 लाखाच्या मंजुरीच्या याच्यामध्ये त्यांनी प्रमाणात भरून घेतले का ते आम्ही फक्त बघतो आणि रेफर करून देतो. आमचंही काम संपलं, डायरेक्ट सबसिडी ही 15 ते 20 दिवसानं लाभार्थ्यांच्या नावे बँकेत जमा होते आणि ही सबसिडी लाभार्थ्याच्या डायरेक्ट खात्यामध्ये बँकेला जमा करता येत नाही. ही सबसिडी बॅकएंड आहे, याला 3 वर्ष TDRला ठेवावं लागतं. एक बँकेचा अकाउंट असतं, सबसिडीचं अकाउंट असतं, गव्हर्नमेंट सबसिडीचं अकाउंट, त्याला TDRला ठेवावं लागतं. आणि जी रक्कम 5 लाख मंजूर केली आणि वाटप केली आणि तुमची जी 1.25 लाख रुपये सबसिडी जमा झाली, तर बँकेने त्या 1.25 लाखाला 5 लाखामधल्या व्याज लावायचं नाही आणि व्याज घ्यायचं नाही. आलं लक्षात तुमच्या? जेवढी सबसिडीची रक्कम तुमच्या खात्यावर जमा झालेली आहे, जरी तुमच्या खात्यात नाही आली, जरी ती बँकेकडे जमा राहिली, तर तेवढी रकमेला बँकेनं व्याज घ्यायचंही नाही आणि द्यायचंही नाही. आणि ज्या वेळेला तुमची परतफेड सुरू राहील, 3 वर्ष तुम्ही रेग्युलर एक परतफेड करा, 3 वर्षानंतर ह्या सबसिडीचा पिरियड 3 वर्ष बॅकएंड सबसिडी असते, त्याच्यानंतर तुम्ही खातं क्लिअर असलं की एक व्हेरिफिकेशन होतं, व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर व्हेरिफिकेशनचा जे रिपोर्ट आहे तो ऑनलाईनच येतो आणि ऑनलाईनच परवानगी मिळते त्यांना की लाभार्थ्यांना सबसिडी तुम्ही खात्यात जमा करून द्या. आवाज क्लिअर येणार झाला, आता येतोय, आता येतोय, कुठं आहे वाढवायचं? हां हां ठीक आहे. हे झालं मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम. आता येतोय ना, तेवढं फॅनचं बघा. आता येतोय. ही झाली पहिली योजना अनुदानाची. याला कागदपत्र आहे, तुम्हाला सांगितले सोपे कागदपत्र आहेत ज्या आता याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी कागद लागतात. जर तुमचा उद्योग ग्रामीण भागात असेल तर ज्या गावच्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये तुम्ही हा व्यवसाय टाकणार आहात त्या गावच्या लोकसंख्येचं प्रमाणपत्र घ्यायचं आहे. कोण देणार ते लोकसंख्येचं प्रमाणपत्र? ग्रामसेवक देणार. ग्रामसेवकाकडून घ्यायचं ते देतात. गेल्यानंतर आम्हाला लोकसंख्येचं प्रमाणपत्र द्या. 2011ची जनगणना सुरू आहे आत्तापर्यंत, तर त्याप्रमाणेच तुम्हाला त्यांनी सर्टिफिकेट देतात, ते व्हॅलिड आहे, काही अडचण नाही. त्याच्यानंतर तुमचा पासपोर्ट साईज फोटो आहे, आधार कार्ड आहे. मग मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जन्मतारखेचा हे बघण्यासाठी आम्हाला निर्गम उतारा TC हे दिलं पाहिजे. मग आधार कार्ड आलं आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक असतो, प्रोजेक्ट प्रकल्प आला की तुम्ही काय करणार, कसं करणार, तुम्हाला मशिनरी कितीची लागणार, DIC चा हिस्सा किती आहे, तुमचा हिस्सा किती आहे, तुम्हाला मार्जिन मनी, आम्ही सबसिडीला मार्जिन मनी म्हणतो, मार्जिन मनी किती आहे वगैरे वगैरे. 5 लाखाच्यामध्ये आम्ही स्टँडर्ड प्रकल्प अहवाल जिल्हा उद्योग केंद्रात ठेवलेला आहे, जे की तुम्हाला विनामूल्य मिळेल.
जर त्याची रक्कम तुमच्या व्यवसायाची 5 लाखाच्या पुढे गेली तर मात्र तुम्हाला CA प्रोजेक्ट रिपोर्ट घ्यावा लागतो आणि ते बँक मागते. आता इथंपर्यंत झालं बँकेनं मंजुरी देता, बँक पण कागदपत्र मागते, प्रोसेसिंगला कागदपत्र लागतात बँकेला. बँक मंजुरी देता देत असताना पहिल्यांदा काय बघत असेल? सिबिल बघते. सिबिल, आता सिबिल काय आहे? कमीत कमी 650 पुढे तुमचा स्कोर सिबिलचा पाहिजे. पहिलं सिबिल बघतात आणि मग जर तुमचं सिबिल निगेटिव्हमध्ये गेलेलं असेल किंवा अलीकडं असेल तर तुम्हाला बँक मंजुरी देत नाही. आता तुम्ही काय म्हणता की मी कुठलं कर्ज तरी घेतलं नाही, पण असं असते की तुम्ही कोणाला जामीन जरी झालेले असाल आणि ज्याला जामीन झाला त्यानं जर थकबाकीदार असेल तरीही तुमचं सिबिल निगेटिव्हला जातं. एवढं लक्षात ठेवा. आता आता जामीन होताना सुद्धा काळजी घेतली पाहिजे, कारण ते दाखवतं तुम्ही कुणाला जमीन आहात आणि किती रकमेला जमीन आहात. ते मी हा पॉईंट तुम्हाला म्हणजे जाणून बुजून सांगतोय. आता इथून पुढून जमीन असताना सुद्धा विचार करून जमीन व्हा, कारण स्वतःला काही मिळणार नाही. आता तुमचा प्रस्ताव गेला बँकेत, तुमचं सिबिल निगेटिव्ह निघालं आणि त्या निगेटिव्हमध्ये कारण दाखवलं की तुम्ही यांना जमीन आहात, काय करणार? नावीलाच आहे, तुम्हाला बँक देऊ शकत नाही. तर अशा पद्धतीने असते. आणि एक अंडरटेकिंगचा फॉर्म असतो, तो सिस्टीम होऊन निघतो आणि तुम्हाला अपलोड करून दे. हे सर्व कागदपत्र स्कॅन करायचे आणि अपलोड करायचे. एक साधा आणि सिम्पल इंडिव्हिज्युअलवर क्लिक केलं, वेबसाईट टाकून एक साधा आणि सिम्पल फॉर्म फ्लॅश होतो. त्याच्यात तुमचं नाव, गाव, तुम्ही उद्योग कुठं करणार, तुमचा राहण्याचा पत्ता काय, तुमची बँक कोणती, तुम्हाला पैसे किती पाहिजेत, एवढंच विचारलेलं असतं. आणि त्याच्या खाली मग हे सगळं कागदपत्र सांगितलेले स्कॅन करून अपलोड करायचे. आता ही झाली मुख्यमंत्री. आता पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामध्ये इथं वयाची अट होती, इथं वयाची अट नाही, फक्त लाभार्थ्यांनी 18 वर्षे पूर्ण केलेली पाहिजे पंतप्रधानमध्ये. लक्षात ठेवा फरक. इथं 50 वर्ष हायेस्ट होतं आणि 45 वर्ष हायेस्ट होतं, इथं नाही. 60, 70, 80 पर्यंत जरी बँकेला वाटलं ना द्यायचं आहे तरी बँक देऊ शकते, कारण एवढा एक फायदा या योजनेत आहे प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामध्ये. आता मायनॉरिटीमध्ये जर आपणाला गणलं जायचं तर त्याला काही दाखला लागत नाही, मी मायनॉरिटीमध्ये आहे हे माझं सर्टिफिकेट घ्या. कसं ओळखणार सांगा बरं मायनॉरिटी? आडनाव ही ते सोडा, मला माहिती आहे. समजा सय्यद साहेब आहेत, मायनॉरिटीमध्ये आहेत, मला माहिती आहे. पण कागद, त्यांनी काही सर्टिफिकेट आणायचं का मी मायनॉरिटीमध्ये आहे बघा म्हणून? त्यांची TC घ्यायची, TC मुस्लिम असला संपला विषय. साधं आणि सोपं, तुम्ही कुठेही जा. आता काही कासार असतात, काही तांबुळे असतात, ते OBC जातात बघा, त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र असतं. तर त्यांच्याकडे जे प्रमाणपत्र आहे ते अपलोड करा आणि तुमची कास्ट मायनॉरिटी म्हणून सिलेक्ट करा. तिथं असतं मायनॉरिटी म्हणून सिलेक्ट करायचं आणि TC अपलोड करायची. तिथं तुम्हाला काही मायनॉरिटीचं सर्टिफिकेट ॲड करा असं कोण म्हणणार नाही. या दोन्ही योजनेमध्ये मायनॉरिटी आहे, आता ॲड केलेलं आहे 11 तारखेपासून. मायनॉरिटीला क्लिक करायचं, तिथे TC अपलोड करून द्यायची. आता याच्यामध्ये कर्जाची मर्यादाही तीच आहे, सर्व्हिसला 20 लाख आहे, मॅन्युफॅक्चरला 50 लाख आहे. सबसिडी तीच आहे. आता मी सबसिडीमध्ये 2 क्रायटेरिया सांगतो दोन्हीकडे, म्हणून मी शेवटी सांगतो तुम्हाला. SC ST अपंग महिला मायनॉरिटी आणि माजी सैनिक यांना ग्रामीण भागामध्ये 35% सबसिडी असते. ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग दोन भागात योजना राबविली जाते. ग्रामीण भागात 35% असते, पण स्वतःचा हिस्सा 65% असतो. आता शहरी भागामध्ये याच राखीव प्रवर्गाला 25% असते, म्हणजे 10% कमी असते. आणि सर्वसाधारणला ग्रामीण भागामध्ये 25% असते, शहरी भागामध्ये 15% असते आणि स्वतःचा हिस्सा 10% असतो. आता याच्यामध्ये हे दोन्ही सांगत असताना शहरी आणि ग्रामीण
तुम्हाला ही त्याची व्याख्या माहीत असावी. शहरी भाग म्हणजे कसा विभागला आणि ग्रामीण भाग कसं, अर्बन आणि रुरल. अर्बन म्हणजे ज्या गावची, ज्या शहराची, अर्बन म्हणजे शहरी, लोकसंख्या 20,000 जास्त आहे त्याला शहरी भाग म्हणायचं 2011 जनगणनेनुसार. आता ती जनगणना आहे आणि 20,000 कमी ज्या गावची, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या आहे त्याला ग्रामीण भाग म्हणायचं. आलं लक्षात तुमच्या? मग इथं 35% मिळणार का 25% मिळणार तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. आणि ही पण योजना प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना कागदपत्र हेच आहे, कागदपत्र हेच आहे. इथं टीसी नसली तरी चालेल कारण इथं वय कोण बघतंय का, फक्त 18 पूर्ण झालेले पाहिजेत. इथं वय बघत नाही पण जनरली आपल्याला समजतं. आणि आमच्याकडे येणारे सुशिक्षित बेरोजगारच असतात, त्याच्यामुळं सुशिक्षित बेरोजगार कशाला म्हणतो व्याख्या माहिती आहे तुम्हाला? सुशिक्षित बेरोजगार शिक्षण झाले पण तो काही उद्योग करत नाही, काय नाही, बेकार आहे, त्याला सुशिक्षित बेकार म्हणायचं. आणि त्यांच्यासाठी ह्या आमच्याकडच्या या योजना आहेत. आता प्रधानमंत्रीमध्ये काही योजना काही घटक घेता येत नव्हते, काही घटक घेता येत नव्हते. आता ही ऑल ओव्हर इंडिया राबवली जाणारी असल्यामुळं याच्यामध्ये आता आपल्या इथे मिल्क प्रॉडक्ट म्हणजे दुग्धजन्य पदार्थ बनवतात, दुग्धजन्य पदार्थ बनवायसाठीच आपल्याकडे कर्ज दिलं जात होतं. पण दुग्धजन्य पदार्थ बनवायसाठी ज्याच्यापासून रॉ मटेरियल आपल्याला मिळतं असं दुधाळ जनावर खरेदी करायचं सुद्धा मिळमिळ त्याच्यामध्ये झालेलं आहे. तेव्हा आपल्याला त्या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये दुधाळ जनावर घेता येत नव्हती पण आता घेता येतात आणि त्याच्यापासून तुम्ही मिल्क प्रॉडक्ट बनवू शकता. मिल्क प्रॉडक्ट जर बनवायचं असेल तर तुम्ही त्याच्यात दुधाळ याचा हे करू शकता. आता काही भागामध्ये दुधासाठी शेळ्या वापरतात, शेळ्या घ्यायचा अनुभव आहे, त्याच्यापासून दुग्धजन्य पदार्थ बनवले. काही भागामध्ये उंटाचं दूध वापरतात, त्याच्यामध्ये ते पण प्रयोजन आहे. ऑल ओव्हर इंडियामध्ये व्हेरिएशन असा आहे तर त्याच्यात त्यांनी त्या पद्धतीने बदल केलेला आहे. आता याच्यामध्ये काही निगेटिव्ह उद्योग पण आहेत त्या दोन्ही योजनेमध्ये. शेम नेगेटिव्ह उद्योग आहे, पानपट्टीला देत नाही धूम्रपान, बार, नॉनव्हेज ढाबा, नॉनव्हेज ढाबा आपण काही त्याच्यामध्ये देऊ शकत नाही, स्लॉटर हाऊस वगैरे आपण काही त्याच्यामध्ये देऊ शकत नाही. तर याच्यामध्ये ह्या योजना आहेत आणि हे उद्योग बसतात सर्व्हिस आणि मॅन्युफॅक्चर. आता आमच्याकडे दोन योजना अशा आहेत, वेळ मला कमी आहे, या दोन्ही ती बसत नाही त्यांनी कुठं जावं. ठीक आहे, सर्व्हिस झालं, मॅन्युफॅक्चर झालं, दोन्ही ती बसत नाही त्यांनी कुठं जावं. तर आमच्याकडे बीज भांडवल एक योजना आहे आणि जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना एक आहे. ही योजना आहे, जिल्हा उद्योग केंद्र 20% देतं, स्वतःचे 10% भरायचे आणि हे हाही प्रस्ताव आम्ही बँकेकडे पाठवणार. बँकेने मंजुरी दिल्यानंतर हे सर्व आम्ही लाभार्थ्याच्या खात्यात देतो आणि ही रक्कम बँकेच्या खात्यात दिल्यानंतर ही रक्कम बँक वाटप करते, त्याच्यात तुम्हाला कोणताही उद्योग घेता येतो. ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी ह्या दोन्ही सबसिडीच्या योजनेमध्ये बसत नाही. आता याच्यात मजल थोडेफार शिकलेले होते, याच्यात न शिकलेलेलं घेता येतात पण सर्व्हिस आणि मॅन्युफॅक्चर. पण आमच्याकडं काहीच ज्याला काही शिकता येत शिकलेच नाहीत त्यांच्यासाठी 2,00,000 जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना आहे. मी जे इथं माहितीपत्रक दिलं आहे त्याच्यात काय कागदपत्र लागतात, काय सगळं आहे, यात काही तुमच्या शंका असतील तर विचारा. आता उद्योग सुरू झाल्यानंतर मोठा 1,50,000-5,50,00,000 पुढे त्याच्यानंतरच्या पण आमच्याकडे तुम्ही गुंतवलेल्याच्या 80% रक्कम परत द्यायची एक योजना आहे, सामूहिक प्रोत्साहन योजना, जे की आम्ही लाईटच्या स्वरूपात देतो, GST स्वरूपात देतो, इलेक्ट्रिसिटी ड्युटीच्या स्वरूपात देतो आणि तुम्ही घेतलेल्या कर्जावरच्या इंटरेस्टच्या स्वरूपात देतो. आम्ही 5% इंटरेस्ट परत देतो. ती सामूहिक प्रोत्साहन योजना आहे आमच्याकडे.
या परस्पर माझी दिलेली टायमिंग संपलेली आहे, तुमच्या काही अडचणी आहेत विचारू शकता. सिबिल इम्प्रूव्ह करा. सिबिल इम्प्रूव्ह करायला सांगतो तुम्हाला कमीत कमी 3 महिने लागतात, कमीत कमी फास्ट गेला तर. इम्प्रूव्ह करून नंतर पाठवू शकतो, काय अडचण. हो यस यस होतं. जर तुमचं सिबिलसाठी रिजेक्ट मारला असेल तर, जर दुसऱ्या कारणासाठी मारला असेल तर ते पण कारण तुम्हाला रेक्टिफाय करून द्यावं लागेल. ओके ओके ठीक आहे. मला इथं आयोजकांनी थोडी बोलण्याची संधी दिली, माझ्या डिपार्टमेंटच्या योजनाची पण माहिती देण्याची संधी इथे दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आंदोलन शब्द संपव. धन्यवाद गोपाल पवार साहेब. अभी आप गवर्नमेंट के स्कीम सब्सिडीज के बारे में मालूमात ले रहे थे. इसके बाद एक अहम तकरीर है, टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. इस उनवान पर जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग साहब अपने ख्यालात पेश करेंगे. इनका मुख्तसर सा तारुफ मैं आपके सामने पेश करता हूँ. फाउंडर एंड CEO लिथोटिक, ये आपकी कंपनी है. और इसके अलावा आप जनरल सेक्रेटरी हैं रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के. मैं जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और अपने उनवान पर बात पेश करें. इसके बाद एक ओपन सेशन भी है, उसमें भी आप सवाल पूछ सकें. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबिह अजमईन. अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. स्टेज पर बैठे हुए डिग्निटरीज, काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहुत खुशी हो रही है बिज़नेस और फाइनेंस जैसे खुश मौजू के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हॉल इतना भरा हुआ है. इससे जाहिर हो रहा है कि आप लोग इस उनवान के तहत अपने कारोबार, अपने बिज़नेस के तहत कितने संजीदा हैं. बहरहाल, जिस बात से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, रिफा का तारुफ भी आया, गवर्नमेंट के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, हमारे अब्दुलसलाम साहब ने कुछ बातें रखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हारिस साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, तो वो चीज़ें आपके जहन में कुछ एक तरह से, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं. मेरा उनवान जो है, टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, है ना, अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं. लेकिन किसी भी चीज़ के लिए, नेक्स्ट काम करने के लिए, सबसे पहला सवाल उठता है क्यों, है ना. तो क्यों का जवाब जब तक नहीं है, तो आगे सारी चीज़ें जो है ना, बड़ा बड़ा लेक्चर दे दें, प्रेजेंटेशन दे दें, 8P 10P कुछ भी कर दें, आपके पास क्यों का जवाब जब तक नहीं है ना, कुछ नहीं है, ठीक है ना. तो क्यों लेके जाना चाह रहे हैं आप कारोबार, अगर मैं सवाल करूं तो आगे मेरी बातें कुछ फ्रूटफुल होंगी ना. मैं आप सवाल करूं, आप अपने कारोबार को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना जी, क्यों करना चाहते हैं, ठीक है ना, चल रहा है सुखी दाल रोटी चल रही है ना, मुतमईन है. खामखा के लिए प्रोग्राम, ये वो बड़े बड़े लेक्चर्स काहे के लिए, कोई जरूरत तो नहीं ना. दाल रोटी चल रही है, ठीक है ना, क्यों जी, क्यों का जवाब नहीं तो सारी चीजें पूरा फजूल, आपका आना भी बेकार, हमारा भी आना, वो सारी चीजें बेकार है. तो क्यों जो है बहुत जरूरी है जी. बिला धड़क बात करें ना, अगर मैं आपसे पूछूं अपना बिजनेस क्यों बढ़ाना चाहते हैं जी, जी बिजनेस को बड़ा करने, नहीं बिजनेस को बड़ा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्यों करना है जी, पैसे कमाना है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बोले इसलिए बड़ा करें कि मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए, ठीक है, और सोसाइटी को जी
मेरे बिजनेस जी मेरे बिजनेस से मेरा और मेरे माशरे का मेरे मुल्क का फायदा होगा। मेरे बिजनेस से मेरे माशरे का और मुल्क का फायदा होगा जी जी। तो क्या हो जाएगा जी, अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो स्टेबल नहीं हो रहा, कोई बिजनेस नहीं रहता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप जवाल की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ग्रो करना जरूरी। जी और कोई बात जी? गिव गेनर्स मतलब देने वाले बनो, देने वाले। अच्छा हाँ, गिव ठीक, हम सोसाइटी को देने वाले बने। देखिए पहले मैं बात बता दूं कि हमको जो है ना, जो हमको जो मैंने कुरान की आयत तिलावत की ना कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, है ना, उखरजत नास, इंसानियत के लिए बर्पा किए गए हो, तो हम जो है हमेशा खैर उम्मत हैं, इंसानियत को हम देने वाली कौम हैं, है ना, हमेशा से हमने दिया है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटस जो है ना हमारा कि हम हमेशा से देने वाली कौम, पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, कभी जो है ना हम कहीं पर लायबिलिटी नहीं रहे हैं। हमने रिसर्च टेक्नोलॉजी के जरिए जो है ना हमेशा से इंसानियत को दिया है, कहीं पर भी रहे हैं ना वो बोझ बन के नहीं रहे हैं, लायबिलिटी बन के नहीं रहे, एसेट बन के रहे हैं। कभी हमको ये नहीं समझा गया है कि ये बोझ है, इनको हटाओ, है ना, ठीक है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन जो है ना, जरिया क्या है, हम बोलते हैं हम खैर उम्मत देने वाले, कैसे दोगे भाई तुम? तो मामला क्या है, हमने दीन को जो है ना सिर्फ कुछ तालीमात इबादात की हद तक महदूद कर दिया है, है ना, जबकि अल्लाह ताला ने ना पूरी कायनात हमारे लिए हमारा गुलाम बना दिया है ना। सूरह जासिया में देखिए आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है ना, वसखर लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्ض, उसने तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया है जो जमीन में आसमान है, जमीन और आसमानों में है, जमी अमीन हूं, सब उसकी तरफ से है। तो देखिए पहले अपनी हैसियत को एज ए मुस्लिम और एज ए बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर की कितनी बड़ी चीज है, अपनी हैसियत को समझिए। देखिए कभी भी जो है ना किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क के खित्ते में, अरे किसी भी दुनिया के इलाके में, या तारीख के कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, एक कम्युनिटी हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी होती है, जो हम जवान बिजनेसमैन कह लेते हैं। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो क्या करता है, उस इलाके का, गांव का, मुल्क का रिसोर्सेस को उठाता है, है ना, उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज ऐड करता है, और अपनी एक्सपर्टीज के बाद उसके वैल्यू एडिशन करता है उसका, और जो वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में जो वेल्थ क्रिएट होती है, जो वेल्थ जनरेट होती है, उससे पूरे समाज का भला होता है। तो आप सब जो है ना, जो बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, और ये बहुत अहम है, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता, है ना। आपके क्रिएट की हुई वेल्थ को उसके बाद फिर ये पॉलिटिशियंस वो बजट बनाते हैं, आपका पैसा जो आपने जीडीपी बढ़ा के वैल्यू क्रिएट करके फिर कहां बजट करना है, वो सिर्फ बजट अलगट करने, हमको लगता है कि असल वही काम कर रहे हैं। असल आप वेल्थ क्रिएटर्स हैं, बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो वेल्थ क्रिएट करता है किसी भी मुल्क के किसी भी खित्ते में। और एक चीज हम ध्यान से अपने जहन से निकाल दें, हमको लग रहा है कि अक्सर लगता है कि यार हम जब भी ठीक, हमारे गवर्नमेंट के पवार साहब ने बहुत सारी स्कीम्स बताई, लेकिन एक माइंडसेट जब मुस्लिम बिजनेसमैन जाता हूं तो ये लगता है कि हमको जो है ना गवर्नमेंट क्यों हेल्प करेगी, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी हमसे खिलाफ है, हमको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और मुझे भी थोड़ा सा कभी भी लगता था, लेकिन यकीन जानिए अभी पिछले 5 साल में मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट एजेंसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान भर में घूम रहा हूँ, बिजनेसमैन से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो बिजनेस के ग्रोथ के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट हो ही नहीं सकती सिवाय आपके माइंडसेट के, बस एक्सटर्नल कोई फैक्टर्स आपको रोक नहीं रहा है। हमारा जो मेरा जो अभी जो 5-7 साल का जो ऑब्जर्वेशन है ना, हम जो है ना बिजनेस के बारे में हम सीरियस है ही नहीं। हम कहते थे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, लेकिन अंदर से जो जज्बा है, ख्वाहिश कुछ भी नहीं है। कंफर्ट जोन में हम चाहते हैं कि हम रहें, आप मुतमईन रूटीन चलता रहे और बिजनेस आपो आप ग्रो हो, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको उसके लिए पहले एक सोच पैदा करनी पड़ेगी। तो मामला क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है,
और पूरी इंडिया में कोई ऐसा मतलब इतना नेशनल लेवल का चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी है नहीं, बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स है लेकिन एक या दो स्टेट के बाहर नहीं। आज हमारी 18 स्टेट्स में ब्रांचेज हैं, लोग हैं, इसी महाराष्ट्र वेबसाइट पे जाएंगे आप rivhat.org पे सारे स्टेट्स आ जाएंगे, महाराष्ट्र क्लिक करेंगे तो उसमें पूरा आ जाएगा, लातूर राकोला नांदेड़ इतने सारे हर क्लिक करो नाम नंबर आ रहा है। कर्नाटक भी जाएंगे तो उसमें पूरे 15 डिस्ट्रिक्ट के नाम नंबर के साथ आ रहे हैं। आप आसाम चले जाइए, पंजाब, इतने सारा डेटा, रिच डेटा है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए इससे बड़ी चीज क्या है। लेकिन फैक्ट ये है कि इतना सपोर्ट स्ट्रक्चर होने के बावजूद अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, इस रिसोर्स को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है मैं बताऊं कि जब मैं बात करता हूं ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, तो अब जो है जो एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेसमैन, वो एक अहम रोल प्ले करता है। आज मुल्क की इकोनॉमी हम जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, बेरोजगारी का हाल क्या है, देखिए गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आ रही, कैसे रोजगार पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी, गवर्नमेंट भी परेशान है क्या करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करना है तो इस मुल्क में जो ग्रोथ हो रहा है हमको पता है, जो के ग्रोथ होता है ना, जो रिच के होता है ना, रिच अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है, ठीक है ना, सारी पॉलिसीज उसी तरह फ्रेम हो रही है। लेकिन मामला क्या है कि सिर्फ इल्जाम देके जो हमारा डोमेन है, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आज अडानी अंबानी देखो ऐसा कर रहे हैं, वो सब कुछ होने वाला है। जो गवर्नमेंट के डोमेन में है हम प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मैदान आपके लिए खुला हुआ है जो आप नहीं कर रहे हैं। शिकायत के अलावा बहुत सारी कुछ चीज कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। तो मामला यह है कि जो गवर्नमेंट ना किसी इंडिविजुअल्स को फेवर नहीं करती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, उस पॉलिसीज के फ्रेम में ये कुछ लोग बैठ जाते हैं। हम उस पॉलिसीज के फ्रेम में क्यों नहीं जाके बैठते हैं? गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है ना, उस पॉलिसीज में कुछ लोग को रिच फेवर हो, सुपर रिच को फेवर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उस पॉलिसीज में आप नहीं बैठ सकते हैं। मामला यह है कि अब हमको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा इस मामले में। जो मुल्क हम देने वाले थे, अब देखिए पूरा आप तारीख उठा के देख लीजिए, जैसे मैंने कहा था ना कि हमेशा से हम जो है ना एक क्या बोलेंगे, जो इजादात हमने किए हैं इस्लाम से पहले, ये अरब कौम जो है एक लाइबिलिटी थी, है ना, बोझ था, उसको हकारत से देखा जाता था। दो सुपर पावर्स इस वक्त है ना, ईरान और रोम, कभी वो हुकूमत करते थे इनके ऊपर फिर छोड़ देते थे, ठीक है, कभी रोम हुकूमत करते, शर्म आती थी उनको बोलने के लिए अरबों पर हम हुकूमत कर रहे हैं, ऐसी ऊपर निपट जाहिल कौम थी। लेकिन वही कौम इस्लाम के बाद, उसके बाद जो रिसर्च डेवलपमेंट साइंस टेक्नोलॉजी में कुरान ने जो उकसाया है ना, पूरी दुनिया को दिया, सारी बेसिस हमने प्रोवाइड की, हमारी की दी हुई बुनियादों पर दुनिया ने साइंस में तरक्की की है, वक्त नहीं इस पर बयान करूं मैं। तो वो जो चीजें कुरान से जुड़े हुए थे, कुरान तरगीब दे रहा था, कुरान कह रहा था, अल्लाह ताला कह रहा था कि वसखर लकुम, जो तुम्हारे लिए मुसखर किया, पूरी कायनात को मुसखर किया है। जबकि वेस्ट में जो था कि वहां पर जो है ना साइंस ने ना मजहब से बगावत करके लड़ के बाहर निकला है, इसीलिए जो उस डेवलपमेंट के अंदर लादीनियत है। इस्लाम के अंदर कभी भी दीन और मजहब में कभी भी वो टसल नहीं रहा, वो हैंड इन हैंड साथ में चले थे, और वही वजह थी हमेशा से हमने मुल्क को दिया, हमारी जो इजादात थी, चाहे हर फील्ड के लिए कह लीजिए, हमने इजाद करके दिया है, और लंबा जाने की जरूरत नहीं। इसी हुकूमत में आज़ादी से पहले जब अंग्रेज थे, अंग्रेज से पहले जो मुगल राज था, हमको पता है कि उस वक्त पूरे दुनिया का 1/3 GDP हमारे पास था। बास स्टैटिस्टिक्स 33% कहते हैं, सबसे कंजर्वेटिव, विकिपीडिया पे जाइए तो सबसे कंजर्वेटिव स्टैटिस्टिक्स है, 24.3% ऑफ द ग्लोबल GDP मुगल के वक्त था, जबकि पूरे यूरोप का मिला के 23 भी नहीं था, मतलब पूरा यूरोप एक तरफ, हिंदुस्तान एक तरफ, वो हमारा इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। तो हमने इस मुल्क को दिया है, और वही अंग्रेज यहां पर जब आए, यहां के सारे जो अपना कपड़ा बेचने के लिए यहां की इंडस्ट्रीज खत्म करके कोलैप्स कर दिया यहां का GDP को, और जब गए हैं वो 4 के नीचे लाके छोड़ के गए 47 के अंदर। तो इस मुल्क को हमने ही उरूज दिया था, और दोबारा उरूज हम ही दे सकते हैं उसको, बशर्ते कि हम आप बिजनेसमैन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएं। सबसे बड़ा मसला जो मैं देख रहा हूं ना, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, दूसरे पर इल्जाम धर रहे हैं हमारे इकोनॉमी के लिए, हम ये कह रहे हैं कि जो हमको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, हकीकत ये है, असल मसला मैं बताऊं, सबसे चैलेंज नंबर 1 क्या है, हमारा जो वो तबका जो है ना बिजनेस एक स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक लेवल पर आके सेट हो चुका है, अब वो समझ रहा है कि मेरी जो है ना दाल रोटी चल रही है, मेरा बल्कि आम आवाम से एक लेवल के ऊपर मेरा स्टेटस हो चुका है, और
कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, फ्यूचर भी सिक्योर हो चुका है। अब अगर मैं एक इंच भी बिजनेस ग्रोथ की बात करता हूं तो मैं दुनिया में कदम रखना, आखिरत में क्या जवाब दूंगा अल्लाह ताला को? अगर एहसास नहीं भी पैदा होता है ना, और लोग एहसास दिलाते हैं, भाई देखो ये सब इतने सेठ हैं सब, भाई फिर भी दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, वो फिर ब्रेक लग के पीछे आ जाते हैं। तो ये ग्रोथ जो नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, इसमें ब्रेक जो लग रहा है ना, हमारा खुद का मेंटल ब्लॉक है और लोग ब्रेक लगाते हैं। और यकीन जानिए, इस मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज आज यही है, हम अपने बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जाना चाहते। आज हम एक लायबिलिटी बने हुए हैं, बोझ बने हुए हैं। आज इस मुल्क को हम कुछ नहीं दे रहे हैं। आज मुल्क की जो विकास की बात करते हैं, हर कोई चाहता है, चाहे पीएम से लेके नीचे तक सीएम या जो भी है, हर बात करता है विकास विकास विकास। विकास क्या चीज है, कोई अलग से कोई अलग चिड़िया का नाम नहीं है। विकास का मतलब यह है कि बिजनेस ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब जीडीपी, जीडीपी का मतलब आप एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं ना। आप एक लोहा उठा के, अगर मैं एक लोहा उठाता हूँ 50 रुपए का, उसको मैं मशीन बनाता हूँ 500 रुपए के अंदर, वो वैल्यू एडिशन मैं कर रहा हूँ, उस वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में मेरे कुछ 30-40-50 वर्कर का भला हो रहा है, मेरे कम से कम 100-150 सप्लायर का भला हो रहा है, मेरे कस्टमर्स 300-400 उनका भला कर रहा हूँ, एक अकेला मैं जो है एक मुल्क के कर रहा हूँ, और कुछ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं जीडीपी में ऐड कर रहा हूँ। मैं मशीन अगर एक्सपोर्ट करता हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है, अगर मैं 15 एक्सपोर्ट करके डॉलर ला के दे रहा हूँ, मुल्क को चाहिए डॉलर्स। जब पेट्रोल मांगते सऊदी बोलता डॉलर ला, वो हमारे जैसे लोग ला के डॉलर बेच के डॉलर ला के दे रहे हैं, वो मुझे INR में दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट डॉलर आता है वो बेच के पेट्रोल आता है। एसेंशियल कमोडिटीज होती है। आज श्रीलंका कोलैप्स क्यों हो गया, उसके पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था। बांग्लादेश अभी हम लोग एग्जीबिशन लेके गए थे, अभी मैं वहीं पर था, 3 दिन का ढाका में एग्जीबिशन था, अल्हम्दुलिल्लाह रिफाक से 29 लोग गए थे, 7 स्टॉल थे, मेरे अलावा 6 और स्टॉल थे ढाका में, अभी जस्ट 15 दिन भी नहीं हुआ है, 18-19-20 नवंबर को 3 दिन का ढाका के अंदर बापा का एक्सपो था, तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सब था। लेकिन बांग्लादेश भी कह रहा हूँ, वहां पर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ी चल रही है, गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं है, अब वो डेस्परेट है कि वहां के लोग एक्सपोर्ट करें। इंडियन गवर्नमेंट भी डेस्परेट है कि आप एक्सपोर्ट करें, डॉलर ला के दो हमको। तो आपके जैसे लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, मुल्क के बिजनेस को ग्रो करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाके रोजगार पैदा करते हैं, डॉलर्स ला के देते हैं, तो कौन आपको इग्नोर कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता इग्नोर करने का। गवर्नमेंट आपकी आइडियोलॉजी से चाहे कितने इख्तलाफ करे, लेकिन अगर आप इस मुल्क के ग्रोथ में हिस्सा बन रहे हैं, मुल्क के डेवलपमेंट में हिस्सा बन रहे हैं, डॉलर्स ला के दे रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट चाहे दुनिया किसी कोने में, तारीख के किसी दौर में इग्नोर नहीं कर सकती। तो पहले यह समझ लीजिए कि ये चीज जो है ना, कोई कितना भी आइडियोलॉजी हो, आप पैसा कमा के दे रहे हैं, आप कमाऊ लड़के हैं, आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये एक दीन का, अब जो है इस मुल्क जो है ना बहुत क्राइसिस में जा रहा है, जो हालात जा रहे हैं ना, बेरोजगारी, सारे गवर्नमेंट परेशान हो चुके हैं, कौन निकालेगा इनको? हम कहते हैं कि हमारे पास कुरान है, सारे मसले का हल हमारे पास है, कहते हैं ना कि सारे तो हमने इनको तो जो इस्लाम का मुसावात है, इस्लाम का निज़ाम है, सारी चीज़ें हमने सिखा दी, लेकिन इस्लाम के पास इकोनॉमिक सिस्टम भी है, जो मौजूदा सिस्टम है वो उस पर, वो सिस्टम का नतीजा है। हम ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को, अडानी अंबानी को, कुछ सुपर रिच लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, ये लोग चूस रहे हैं, वो नहीं है, उनका मसला नहीं है, वो तो सिर्फ टूल्स हैं, सिस्टम के हिस्सा हैं। एक सिस्टम ही जो सूद के ऊपर बेस्ड है, वो सिस्टम जहां पर इंसानियत नहीं है, वो सिस्टम जहां पर ह्यूमैनिटी नहीं है, उस सिस्टम का ये सब कुछ फल है। हम तो सिस्टम को पूरा बदलना आप ही कर सकते हैं, तब जाके कुछ इंडिविजुअल्स ग्रो नहीं करेंगे, बल्कि पूरा समाज ऊपर आता है। और ये कौन लाएगा? ये बाहर से करने वाला कोई नहीं है, पूरी इंसानियत बिलक रही है कि हमको इस परेशानी से निकालो। हम क्लेम कर रहे हैं कि सारे का मसले का हल हमारे पास है, और हम ये समझ रहे हैं कि कोई और आके मसला हल करेगा, वो मोदी और वो लोग नहीं करेंगे, पीएम और सीएम लोग नहीं करेंगे, वो आपको मसला हल करना है। कैसे करेंगे? ये करने के लिए आपको, देखिए इतना आसान काम है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। जहां आप कारोबार अपने बिजनेस बैठे ना, वहीं पर बैठे रहिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए और उस बिजनेस के लिए ग्रोथ की फिक्र करिए आप। असल में ये 10 मिनट इसके लिए स्पेयर कर दिया कि जब तक आपको नेक्स्ट लेवल पर क्यों का वो अंदर से आग नहीं लगेगी ना, क्यों लेके जाऊं, तब तक आके लाख प्रेजेंटेशन, सारे मैनेजमेंट की टेक्निक सिखा दूं, एमबीए की डिग्री भी ले लिया अपना, अंदर जज्बा नहीं है क्यों का, तो फिर वो सब सीखने के बावजूद भी ठीक है ना, चल रहा है ना दाल रोटी, वो चीज़ जो है ना उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इस मुल्क में एक बोझ समझा जा रहा है ना, कब आपको ऐसा समझा जाएगा? जब आप इस मुल्क को देंगे। यहाँ के लोग पूछते हैं ना कि तुमने मुल्क को क्या दिया है, हम ये बोले कि भाई अभी तो नहीं दे रहे, हमारे बाप दादा ने ना 47 में आज़ादी की बड़ी बहुत लड़ाई लड़ी थी हमने। अरे लड़ी थी, तुम क्या कर रहे हो?
तुम मेरे लिए किस तरह फायदेमंद हो ये बताओ ना, तुम्हारे कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ के लोग जो इस्तेमाल करने वाली ये बाइक है, लाइट है, पंखा ये है, सारी चीजें, कितनी चीजें हमें क्लेम कर सकते हैं, और गाड़ी जो है कि हम लोग ने दिया इस मुल्क को, उनके इस्तेमाल की उनकी लाइफ को, लाइफ स्टाइल कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, अगर नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज से, नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी से तुम हो नहीं हो, कोई वजूद तुम्हारी अहमियत ही नहीं है। उस CNRC में तुमको करके डिटेंशन कैंप में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम इस मुल्क का वो हिस्सा बनो, इस विकास में इकोनॉमी के अंदर बैठना है तुमको और इसको ग्रो करना है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ये दीन का हिस्सा है, हमें खैर उम्मत बन सकते हैं, यहाँ के लोग कंट्रीब्यूट करें, यहाँ के लोग हमको अपना खैरखा समझें, यहाँ की इकोनॉमी हमारे बगैर न चले, ठीक है ना, वो मईशत में हम कॉन्ट्रीब्यूट कर देने वाले बने। अब फिर आगे बात आती है कि अब ये जज्बा इसी के तहत ये रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स बना, जमा इस्लामी इतने सालों से काम कर रही थी लेकिन इकोनॉमिक मैदान के अंदर हमारा कोई रोल नहीं था, ठीक। अब ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इग्नोर करके हम नहीं करते, हमने तौफीक साहब अमीर का थे, मुझे महाराष्ट्र का सेक्रेटरी बनाया था, तो बहरहाल महाराष्ट्र में हमने इसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, फिर उसके बाद सेंटर ने इसको डिसाइड किया कि इसको सेंटर लेवल पर लॉन्च करते हैं, आज अलहमदिल्ला 18 स्टेट्स में इसके ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। अब ये नेटवर्क जो रिफा का जो है ना, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, एक बिजनेसमैन को जो नेटवर्क की बेनिफिट में बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी प्रोक्योर करना है या कस्टमर एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना, प्रोक्योरमेंट साइड में आपको इंडिया किसी कोने में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप साइट पे जाके डायरेक्ट हमारे बैक ऑफिस से कॉल कर सकते हैं, उस ये मामला, ये प्रोडक्ट शायद वहाँ सस्ता मिलता है, ये रेट मिलता है, कोई सप्लायर है क्या, आपके प्रोडक्ट को बेचना है तो उसके लिए भी हमारे पास नेटवर्क है। नेटवर्क के अलावा जैसे मैं बताया था, हम चाइना में लेके गया था कोविड से पहले, पूरी टीम यहाँ से गई थी कैंटन फेयर, ताकि यहाँ से बाहर लेके दुनिया देखें लोग क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दो टीम हमारी चाइना गई थी, अभी हम लोग जो है जैसे हाल ही में बांग्लादेश एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन रहा है, इंडिया से GDP से उसका GDP आगे बढ़ चुका है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बांग्लादेश से आ रहे जा रहे हैं, तो वो चीज़ पर हमने एक 29 लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डेलीगेशन था, बल्कि वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने मेन गेट पर वी थैंक यू पार्टनर्स रिफा का एक लोगो करके अप्रिशिएट किया, वो चीज़ हमारा हो रहा है। अभी हम जो कर रहे हैं, अभी गुलबर्गा में अब्दुल सलाम साहब ने बताया कि अभी करीब में गुलबर्गा में एक पूरा 350 शॉप्स का एक मॉल, तो वो साथी जो हैं वो उन्होंने कहा हम फ्री में रिफा को दे देते हैं, आप लोग वो एक्सपो कर लीजिए, उसके बाद हम पोजीशन देंगे। इतना बड़ा एसेट हमारे लिए रिफा के लिए, लोग इस तरह से फ्री ऑलमोस्ट ये जो 10-15 हज़ार वो भी इन्होंने अब्दुल सलाम साहब ने 50% डिस्काउंट दिया है, सिर्फ पीनट से, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको बाहर निकलना पड़ेगा। आप जो भी प्रोडक्ट्स लेके बैठे हुए हैं, सर्विस लेके बैठे हुए हैं, एक 10-15 हज़ार के अंदर आपको एक क्या बोलेंगे एक्सप्लोर करने मिल रहा है, तो वो करना चाहिए हमको। तो रिफा एक नेटवर्क दे रही है, आपको किसी भी गाइडेंस की सपोर्ट चाहिए तो हमारा एक 9 अलग अलग डिपार्टमेंट से, एक वर्टिकल तो हमारा 18 स्टेट्स का वर्टिकल है, लोग हैं, उसके अलावा हमारे पास 9 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का है, जिसके तहत ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बात होती है, एक डिपार्टमेंट हमारा गवर्नमेंट कंप्लायंसेस का है, जैसे हमारे साहब आए पवार साहब, ऐसे पूरे इंडिया में गवर्नमेंट से आपको लाइजनिंग में सपोर्ट चाहिए, वो अलग डिपार्टमेंट है। फिर हमारा बिजनेस फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है, जहां आपको गाइड किया जाता है कि बिजनेस फंडिंग लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको कैसे फंडिंग मिल सकती है, इसी तरह और मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट्स है, वेबिनार है, अलग अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ इसलिए है कि आपको नेक्स्ट लेवल पर बिजनेस को ले जाने के लिए है, ठीक। अब मैं आता हूँ मोटी मोटी दो तीन चैलेंजेस हैं, उस पर मैं बातें करूँगा। देखिए, जब हमारे पास ये रिफा का नेटवर्क भी है, आपके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ख्वाहिश भी पैदा हो गई होगी। अब यह कि जब अमलन बात की करते हैं ना, सिर्फ दिल में जज्बा पैदा करके एक मोटिवेशन लेक्चर लेके, भाई जज्बा है आगे बढ़ने का, लेकिन वो आगे बढ़ना नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना, वो पूरी एक साइंस है, पूरी एक साइंस है जिसके तहत आप वो आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि 2-3 एरियाज जो है ना जहाँ पर हमको चैलेंजेस आते हैं, ठीक। अगर आप बताएंगे, अगर मैं पूछूं नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है आपके लिए, आपने क्यों तो बता दिया, क्यों इसलिए जाना है, ठीक है ना जी, एक पैसा बोल रहे हैं, पैसा आ जाए तो मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, और क्या है रुकावट, guidance. जी गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, सिर्फ गाइडेंस नहीं मिले, और क्या मसला है, पैसा है, गाइडेंस का कमी है, और क्या चीज़ चाहिए आपको, system. जी सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम बैठ जाए, जी हाँ हाँ जी
कंसिस्टेंसी, उसमें मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं कर पाते जी। और कोई बात? एक बड़ी टीम हमारे पास नहीं है जी। और कोई बात? देखिए मैं बताऊं, इसमें कैसा है ना कि दो तीन चैलेंजेस जो है ना, एक बात यहाँ ये, बहरहाल आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं कोचिंग इंडस्ट्री से, तो आप लोग इसे जी। असल में देखिए बहुत सारे जो अक्सर मैं इवेंट्स में पूछता हूँ ना, तो पांच छह चीज़ें आती हैं चैलेंजेस के तौर पर। एक लेकिन नंबर वन पर आता है फाइनेंस, पैसा आ जाए सारा मसला हल हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है, ये गलत फहमी उनकी है। उसके बाद सेकेंड लेवल पर आता है मार्केटिंग, हमारा प्रोडक्ट जो है ना हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा लेवल पर आता है ढंग के स्टाफ नहीं मिलते हमको, सब करना पड़ता है। तो ऐसे और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए मामला क्या है, आज जो है ना नंबर वन चैलेंज जो है, अगर मैं आपको बोलूँ नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए ना, एक तो जैसे मैंने जज्बा ही नहीं है, लेकिन जिसमें जज्बा है भी ना, वो रूटीन में इतना उलझा हुआ है, इतना फंसा हुआ है, उसको सोचने का टाइम नहीं है, सोचने का ही टाइम नहीं है कि बाहर क्या है। कितना भी सिखा दें, ट्रेनिंग कर दें, कोचिंग कर दें, गाइडेंस दे दें, पैसा दे दें, सब करने के बावजूद सारा मसला हल कर देना, निकल ही नहीं पाएगा। उसको लग रहा है वो कैश फ्लो के दलदल में उलझा हुआ है, समझ रहा है पैसा जब मसला हल, वो हल नहीं है, ठीक है ना। तो मसला ये है कि आपको रूटीन से बाहर निकलना पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, कोचेज हैं, है ना, मार्केट में हैं बहुत सारे लोग, हैं ना, विवेक बिंद्रा है, उज्ज्वल पटनी है, राहुल मलोदिया है, रवि तलरेजा है, अमित पारीख है, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, ये टॉप लेवल के। उसके नीचे भी एक लेवल है, उसके नीचे आप हर जगह पर आप कुछ कोचेस कंसल्टेंट मिल जाएंगे। तो मैंने खुद भी करीब 7-8 लाख रुपए खर्चा किया है सीखने के लिए। बहरहाल तो मैं बताऊँ मोटा मोटा क्या होता है ना, ये क्या करते हैं कि आपके दो तरह के कंसल्टिंग के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट तो ये होता है कि आपके बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करना, ऑटोमेशन में डालना और वो ऑटो मोड में चले, आपको उस रूटीन से बाहर निकालते हैं, एक। दूसरा जब आप फ्री हो जाए ना, अब फिर ग्रोथ के ऊपर फिर स्ट्रैटेजी बनाना, किस प्रोडक्ट पर फोकस करना है, किस सेगमेंट पर फोकस करना है, नया डेवलपमेंट करना है, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए फुर्सत, ठीक है ना। और ये फुर्सत कंसल्टेंट्स, वो तो हम लोग जो है दो तरह के कंसल्टेंट्स की ट्राई करते हैं कि एक हमारा ये भी काम करके दे दे, हमको फ्री भी करके दे दे, और दूसरा हमको गाइड करे इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने में। मेरा जो तज्जिया है वो स्ट्रैटेजी बनाना जो है ना, वो कंसल्टेंट की बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती है कि आपके बिजनेस को समझना। आपके बिजनेस को आप ज़्यादा कोई नहीं जानता है, आपका सिर्फ मसला है कि रूटीन में फंसे हुए निकल जाओ ना, फिर आपसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ पर फोकस करने के लिए आप देखिए बहुत सारे लर्निंग पर आप खर्चा करना पड़ेगा, पैसा देके खर्चा करना। अगर आपको यूट्यूब है, किताबें हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट किताबें मिल जाएंगी, लेकिन उसके साथ जो है ना आपको हैंड होल्डिंग भी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे कंसल्टेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा खुद का बिजनेस था, जब मैं बॉम्बे का नाजिम था, धोमी का था, आप अमीर हल्का थे, लिटरली ना कंपनी चल रही थी ना बॉम्बे चल रहा था, जमा इस्लामी का अमीर था मैं, इतना फ्रस्ट्रेशन था। तौफीक साहब से आप मिल गया तो मैंने क्या इस्तीफा दे दिया, तो मैंने नहीं होता मुझसे बॉम्बे के नाजिम। बहरहाल तो मैं कंपनी पे न जाऊं हो ही नहीं सकता था, तस्वीर ही नहीं था कि मेरे बगैर कंपनी चले। मैं मशीन बनाता हूँ, सारी चीज़ें शॉप फ्लोर पे जाके वर्कर्स लोग गाइड करना, कुछ गलतियां हैं वो फिर उसमें सप्लायर भी अच्छा बटो आके करता हूँ, फिर कस्टमर का फोन आ गया वो भी देख रहा हूँ, फिर वो फाइनेंस का सीए का कॉल, सब जगह वन मैन आर्मी, इधर भी देखो उधर भी देखो, कुछ भी नहीं होता था। सुबह शाम तक कुछ तो भी करके निकल आता, मैं समझता बिजनेस कर रहा हूँ। 16 साल जब उसी बीच में ये रिफा शुरू हुई और इन्होंने जिम्मेदारी तो दे दी, अब था कि मेरा बिजनेस का ठिकाना नहीं, भी दूसरों क्या सिखाऊं। उसी बीच में सब ये एक बिजनेस कोच का फोन आया, उसने बहरहाल बताया कि आपको भी ऑटो मोड में आ जाएगा। मैंने कहा मजाक मत करो, ऐसा थोड़ी होता है, मेरे बगैर चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना खर्चा करके सीखते सीखते आज बहुत हद तक बिजनेस जो है ना, अब अलग अलग अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट्स हो चुके हैं, और डिपार्टमेंट्स हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, हर आदमी की SOP सेट है, ट्रैक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना कि जो मैंने देखा, जो अक्सर लोग कहते हैं ना, लोग टीम बिल्ड नहीं कर पाते हैं, आपने कहा टीम बिल्डिंग, अक्सर क्या जब स्टाफ रखते हैं ना, हम स्टाफ को ब्लेम करते, छोड़ के भाग गया, सीख के भाग गया, कंपटीशन कर लिया, सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर है। मामला हमारा है, देखिए स्टाफ को जो है ना, आपका जो सिस्टम है, आप ग्रो नहीं कर रहे हो ना, आप एक लेवल पर हो, स्टाफ कितना भी क्लोज हो, सगा एकदम बोलते हैं ना रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो ना, उसको समझ में आ रहा है इसमें मेरा ग्रोथ नहीं है,
और किसी भी स्टाफ के लिए उसकी प्रायोरिटी उसका कैरियर, ये गार्ड बांध लीजिए। कोई आपके लिए काम नहीं करता, हर आदमी अपने लिए काम करता है। एक मैंने किताब अक्सर कोट करता हूँ, व्हाट दे डोंट टीच यू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उसमें जो उसमें बहुत शॉर्टकट्स दिया उसने, उसमें एक लाइन लिखा था, नो वन, आई लर्न्ड वेरी लेट इन लाइफ दैट नो वन वर्क्स फॉर एनीवन, एवरीवन वर्क्स फॉर हिमसेल्फ। हर आदमी अपने लिए काम करता है ना। तो मामला है कि जब स्टाफ हायर करते हैं ना, हमारा नॉर्मल प्रोसेस क्या है, उसका हमने काम बताया, तुम्हारे रिज्यूमे में काम है और तुम कर सकते, तजर्बा क्या, पगार क्या, काम पे लग जाओ। उसके बारे में उसका कैरियर ऑब्जेक्टिव्स क्या है कभी सोचते नहीं हम, उसके ग्रोथ के बारे में फिक्र नहीं करते हम, और उसको कैसा करेगा, उसके SOPs कैसे हैं वो हमको पता नहीं है, उसके टारगेट्स क्या हैं पता नहीं है, उसको क्या करने से कंपनी में रहेगा, क्या करने से उसको निकाला जा सकता है वो क्लैरिटी नहीं है, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है उसको दिखता नहीं। कंपनी तो स्टेप कंपनी ग्रो हो रही है, अगर कंपनी ग्रोइंग है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव वो सोचता है कल को मैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा, मैं सेल्स मैनेजर बनूंगा, मैं सेल्स हेड बन जाऊंगा, मैं VP टेक्निकल बन जाऊंगा, उसको अपना ग्राफ दिखता है क्योंकि पीछे देख रहा है कंपनी ग्रो हो रही है, वो टिकेगा आपके पास। लेकिन वो पूरा आपका ग्राफ देख रहा है फ्लैट है, वो क्या करेगा, आएगा सीखेगा भागेगा, और आप शिकायत करते बैठोगे सीख के भाग गया है तो कॉम्पिटेटिव ग्रोथ में जाके बैठ गया या खुद कॉम्पिटिशन बन गया। हाँ, कॉमन शिकायत है यार, लोग ढंग के मिलती नहीं रहे आपके, जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं टैलेंट वाला अपना क्यों अपना करियर आपके पास चौपट करेगा। एक तो लोग मिलते नहीं है, मिलते हैं तो सुनते नहीं है, और सुनते हैं तो टिकते नहीं है। मसला कॉमन मसला है। तो मामला स्टाफ का नहीं, मामला आपका है। कोई स्टाफ कोई छोड़ता नहीं है, वो अपना बॉस तब्दील करता है, ध्यान रखिए। आप उसके बॉस बनने के लायक नहीं थे, इसलिए आपको छोड़ के भाग गया। तो ये जो सिस्टम से बैठाया जाता है ना, तो छोटे भी कंपनी भी हो, ऊपर से नीचे तक एक ऑर्गेनोग्राम होता है, हायरार्की होती है। आप टॉप पर हैं, आपके नीचे कितने लोग हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, आपका बजट नहीं है, अलग मल्टीटास्किंग करिए। परचेस वाले को बोले तू परचेस भी देख, अकाउंट्स भी देख, स्टोरी तू भी संभाल। सेल्स वाले को बोल सके भाई तू सेल्स और मिलकर मार्केटिंग का भी काम कर ले, नया डेवलपमेंट तू कर। जब आगे बढ़ती है तो मार्केटिंग का अलग हेड हो जाएगा, सेल्स का अलग हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक स्टोर्स का अलग बंदा, परचेस का अलग बंदा, फाइनेंस का अलग बंदा, अकाउंट्स का अलग बंदा, और उसके ऊपर एक आदमी कर सकता वो रहेगा। तो हर आदमी का रोल मतलब डिपेंड आपका, और ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, बार बार इस पर गौर करिए, पेपर पर लेके आइए। आपका आपने स्ट्रक्चर बना दिया, जिस पोस्ट पर बंदा है ना उसके आपका स्कोर कार्ड बनाइए। ये बंदा जो है ना सेल्स का बंदा है वो क्या करेगा, खाली हम वो बोलते हैं महीने का इतना लाख का धंधा लेके आने का, ऐसा नहीं होता। टारगेट ड्राइव नहीं करना है, उसके एफर्ट्स को भी ड्राइव करना पड़ेगा। भाई तुमको एक महीने में, जैसे एक हफ्ते में तुमको 20 न्यू कस्टमर्स मिलना ही मिलना है, तुमको कम से कम ऑफिस में तो 50 तो लीड जनरेट करनी करनी है, तुमको इतने नए क्या बोले इंडिया मार्ट पर जाके इतना बाई लीड्स करनी है, आंकड़े में आपको लेके आना है। परचेज वाला बंदा है तो परचेज वाले को क्या करेंगे टारगेट उसका, ये कि भाई तुमने कितना PO बना है, कितने टाइम में PO बना है, कितने वेंडर्स को तुमने, तो सारा SOPs होता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखिए। जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, जो सिस्टम की बात करते हैं, तो चार चीज़ों पर फिक्स होता है कि एक होता है SOP, काम करने का तरीका, हर बंदे का ऊपर से नीचे तक काम करने का तरीका होना चाहिए। दूसरा होता है KRA KPI, यानी उसका रोल्स क्या है और उसका इंडिकेटर्स क्या है, क्या उसका नापने का मेजरेबल तरीका क्या है। SOP होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। देख कंपनी में क्या होता है ना, शुरू में क्या है, हर चीज मुझ पर डिपेंडेंट थी, मैं जैसा बोलूंगा वैसा, और मैं समझता हूँ सामने वाले को समझना चाहिए जो कि समझता नहीं हो, और फिर हम बोलते हैं अक्कल नहीं तो समझता नहीं, और वो बेचारा उसको मालूम ही नहीं है। तो मेरा कॉमन सेंस बोलता है उसको समझना चाहिए, कॉमन सेंस कॉमन होता नहीं है, उसको पेपर पर लाना पड़ता है। द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉमन सेंस, ध्यान रखिए। और ये कॉमन सेंस के गैप की वजह से खाली चिलम पुकार, आपके यहाँ भी होती होगी, आपका स्टाफ आपके हिसाब से काम नहीं करता, झुंझलाहट होती है ना। आप समझते हो कुछ ही नहीं, किसी लायक नहीं, वो समझते हो मैं तो बहुत बड़ा लायक हूँ यार, सेठ कोई समझता नहीं है, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो गैप क्यों आता है, गैप होता है कि आपके एक्सपेक्टेशन पेपर पर नहीं है ना। तो क्या करना है, KRA की रिस्पॉन्सिबल एरियाज, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कैसे उसको नापेंगे उसकी परफॉर्मेंस को, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हर काम करने का तरीका क्या है वो सेट होना चाहिए, और JD होना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शंस। जब वो किसी प्लेसमेंट वाले को बोलना है भाई मुझे परचेस का बंदा चाहिए, तो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, इतने साल एक्सपीरियंस से ये करके, ये सब चीज़ें हो, और फिर वो बंदे को पूरा पता रहेगा कि मैं क्या करने से, और खुद अपना जो KPI होता है ना, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जब अप्रेजल के लिए आएगा ना, तो उसने कितना खुद अपना स्कोर कार्ड भरेगा, खुद भाई 10 लाख में मैं खाली 5 लाख में इसमें कम किया, यहाँ मेरा परफॉर्मेंस में कमी रही, तो खुद ही पगार बढ़ाने की बात नहीं करे, खुद ही छोड़ के भाग जाएगा। घसीटने वाला फ्रिक्शन
टेंशन, वो गैप कम से कम खत्म हो जाता है कि वो समझे मैं तो बहुत कर रहा हूँ और आप समझे कुछ नहीं करता है। तो बहरहाल ये होता है आपका KRA KPI SOP सिस्टम्स बिठा देंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है फाइनेंस का, अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है कई लोगों के पास ना, उनको पता ही नहीं कि मैं धंधा कर रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ या नहीं है। वो समझते गले में जो पैसा है बस वही इनकम है, जबकि हो सकता है आपके एसेट्स कुछ कम हो चुके हैं, वो गले में आ गया, या आपकी लायबिलिटी चढ़ रही है तो उसके बदले में गले में पैसा दिख रहा है। आपका जो है ना एक बैलेंस शीट, एटलीस्ट क्वार्टरली तो आपको देखना चाहिए। बैलेंस शीट में भी एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। कैश फ्लो, अक्सर लोग कैश फ्लो का उस तफसील में आप के क्या कहते हैं ना कि जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में है कि आपका CA से पूछिए मेरा हर महीने का बैलेंस शीट होना चाहिए, मेरा PNL प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होना चाहिए और मेरा कैश फ्लो। इस पर आप स्टडी करिए, यूट्यूब पे भी है, अपने CA से पूछो हर महीने एटलीस्ट क्वार्टरली तो ये तीन फिगर्स पर हम नज़र रखना चाहिए, हम कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ ग्रो कर रहे हैं। हर डिसीजन आपका जो है ना, आप बिजनेस में फैसला करते हैं इमोशन ड्रिवन होता है। एक स्टाफ को रखना है, नहीं रखना है, ठीक है, जगह लेना है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये इतने दिन में आप 50 डिसीजन लेते हैं। डिसीजन के पीछे आपका बैकअप क्या रहता है, आपके जज्बात। एक दुकान खोलनी है और बाजू वाले ने खोला, बहुत कमाई दिख रही है, गाड़ी आ गई उसे, चलो मैं भी ले लेता हूँ। कैसी आई, क्यों आई, क्या किया उसने, कर्जे में डूब के लिए, आपको पता नहीं जो दिख रहा है उसके। तो ऐसा इमोशन ड्रिवन फैसला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फाइनेंस पर ग्रिप जो रहेगी ना आपके पास, तो हर डिसीजन के पीछे दो चीज जुड़े हुए हैं, कॉस्ट बेनिफिट। स्टाफ रखना है, खर्चा कितना हो रहा है, 30,000 पगार है, बेनिफिट क्या, इतना लाख, इतना प्रॉफिट, इतना आ रहा है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर फैसले के पीछे आपको करनी है, जो हमारे पास फाइनेंस का स्टेटमेंट नहीं होने की वजह से हम नहीं कर पाते, कोई नहीं करता है। प्रॉफिट लॉस का ठिकाना नहीं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है। तो आपके सारे डिसीजन इमोशन ड्रिवन होते हैं, ये खर्चा मैं दुकान ले रहा हूं तो कितना खर्चा हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं तो खर्चा कितना है, फायदा क्या है, कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट। हर फैसले के आगे एक छोटे में छोटा फैसला भी, अगर आपको एक लैपटॉप भी ले रहे हैं आप, तो भी ठीक है, मेरा 30,000 खर्चा हो रहा है, मेरा फायदा क्या है उसका। तो आफ्टर एवरी डिसीजन के पीछे जो है आपका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। मैंने दीज आर द सेट ऑफ इनपुट्स मैं डाल रहा हूँ, ये दीज सेट ऑफ आउटपुट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। एक क्वार्टर रिव्यू करिए, उसे लंबा घसीटा नहीं है। अगर आपने टारगेट किया है ये चीज़ अचीव होना है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उसको, चिपक के मत बैठो। बहुत सारे बिजनेस को मैंने देखा है, बिजनेस में प्रॉफिट है ही नहीं, सिर्फ इमोशन में, कैसे छोड़े इसको। अरे जब हिसाब किताब ये बिजनेस तुम कर्जे में लेके जा रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है, पैसा अटका पड़ा है, काहे के लिए चिपक के बैठो उसे। लेकिन क्योंकि उनके उसके फाइनेंस का डेटा नहीं है कि पेपर पर सामने अगर देखिए भाई दे तो मैं तो माइनस 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 ही जा रहा है, इतना 8-10 लाख खर्चा पाल के बैठा हूँ, रेवेन्यू कुछ भी नहीं हो रही, इतना सेल किया, इतना प्रॉफिट, जितना मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है उसमें कुछ अटक के बैठा है, ये फिक्स खर्चे इतने हैं। तो आपका शॉर्ट में ये कि फाइनेंस, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका सिस्टम्स, स्टाफ का सिस्टम्स हो, KRA KPI SOP सारी चीज़ें सेट हो जाए ताकि आप रूटीन से बाहर निकल पाएं। लोग, एक टीम ड्राइव करना ये बोलना आसान है, लेकिन टीम का रोल्स डिफाइन करना, टारगेट सेट करना, प्रोसीजर सेट करना, उसका सारा सेट करके अपने आप फिर मॉनिटरिंग मोड में आ जाना, ऑपरेशन बाहर निकल के वक्त लगता है। ये आने के बाद में फिर आपको फाइनेंस पर बहुत तगड़ी ग्रिप रखनी है कि हर एक पैसा भी इधर से उधर हो रहा है ना, आपके फट से समझ में आना चाहिए, ये मैंने खर्चा किया, ये ग्रोथ मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक क्वार्टर के लिए मैंने भाई ठीक है 30% ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था, वो वही नहीं, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। अब वो करने के लिए मैंने इतना खर्चा कर डाला यार, क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं, कैंसिल करो, अब कुछ और सोचो, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। अगर पूरा सैचुरेट हो चुका है, कुछ नए प्रोडक्ट्स, नए कस्टमर्स, कुछ नया सोचना पड़ेगा आपको रूटीन में आपको। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपके फाइनेंस आपको सामने दिखाएगा, आपका स्टेटमेंट आपका दिखा, भैया देखो तुम लॉस कर रहे हो, तो आपका दिमाग चलेगा फिर क्या करना है, आप या तो बंद करना है ना कुछ करना है। तो फाइनेंस के ऊपर सख्त से आपको करना है। आखिरी चीज़, आखिरी पहली भी कह सकते हैं आप, मार्केटिंग। हमारे प्रोडक्ट का जो है ना, जैसे इन्होंने बहुत, हारिस भाई ने बहुत सही कहा था कि तुम कौन सा मसला हल कर रहे हो समाज का, ठीक है ना। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, कस्टमर अपने पैसे आपके प्रोडक्ट के बदले में एक्सचेंज कर रहा है, मतलब कुछ तो वैल्यू उसको मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम केस मैंने देखा है कि प्रोडक्ट के बारे में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन वो रूटीन में इतना उलझे हुए हैं कि वो स्केलेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, पहला सा जब सिस्टम ड्रिवन हो गया, अगर प्रॉफिटेबल है तो सिस्टम ड्रिवन हो गया, आपके बगैर चल रहा है, तो स्केल करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मार्केटिंग का देखिए एक सीधा फंडा है, हम लोग जो है ना अक्सर कि वो सेगमेंट जो होता है ना उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। हर प्रोडक्ट का अलग 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 सेगमेंट्स होते हैं। कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला जो है ना, आप एक पेन ले लीजिए,
वो 10 रुपए से लेके 20-50 हजार तक भी आती है। कार ले लीजिए तो आपको ठीक है, आपको लाख से लेकर आपको करोड़ तक भी कार मिलती है। हर प्रोडक्ट का एक अलग सेगमेंट है। अगर वो मारुति का सेगमेंट वाले कस्टमर के सामने आप BMW का मार्केटिंग वाला पहुंच जाए नहीं बेच पाएगा उसको ना, या BMW के सामने आप ये मारुति वाला ब्रोशर लेके बैठ जाए वो नहीं खरीदेगा ना। तो सवाल ये कि आपका प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा कि आपका सेगमेंट क्या है। मतलब मैं अपनी एग्जांपल दूं, मुझे भी कंसल्टेंसी नहीं लिया था उस वक्त तक, तो अब भाई मशीन बना रहा था, कुछ कुछ खरीद रहे थे, कौन है सेगमेंट कुछ पता ही नहीं था क्या था। वो कंसल्टेंट आके बैठा कि आपका टारगेट ऑडियंस, TA कहते हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है। मैंने कहा टारगेट ऑडियंस किस बला का नाम मुझे पता नहीं, टारगेट किसको बोलते हैं। नहीं बोला आप कस्टमर कितने तरह के कस्टमर्स हैं। तो बहरहाल पूरा दिन का सेशन था, बहुत सारी सोच साझ के शॉर्ट मेरे, जैसे मैं मशीन बनाता हूँ मसाले की पीसने की मशीन, एवरेज अलग अलग कैच वगैरह मेरे कस्टमर्स हैं। तो फिर उसने सेगमेंट लगाया, तो खैर पूरे दिन का निचोड़ ये था कि एक सेगमेंट ये है कि कोई जो है नई मसाला की बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो एक स्टार्टअप हो गया, चलो स्टार्टअप लिखा उसने। और कौन है, और ये लाइन से वाशी में देखो लेबर जॉब वाले बैठे हैं, वो कस्टमर्स हैं, वो मशीन डाल के बैठे हैं, दूसरों का किलो के पीछे 10-15 रुपए किलो के पीछे बेचते हैं, तो लेबर जॉब वाला सेकंड कैटेगरी हो गया। तीसरा बड़ा कोई बिग शॉट है, बिल्डर है, ये वो अब डाइवर्सिफाई करना है, तो तीसरा डाइवर्सिफिकेशन वाला है। फिर एक सेगमेंट था कि भाई जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक्सपांशन में जा रहे हैं, तो वो कस्टमर है। तो चारों में शॉर्ट में ये है कि तीनों में वो स्टार्टअप बहुत टाइम लेते हैं, वो समझता नहीं उनको। मेरी एक्सपर्टीज ये थी कि मैं टेक्निकली अच्छा प्रोडक्ट दे रहा हूँ और उनको जो अच्छे क्वालिटी दे पा रहा हूँ, और वो स्टार्टअप भी समझता नहीं था, लेबर जॉब वाले पैसे के लेना देना है, और डाइवर्सिफाई वाले समझ नहीं पाता। एक्सपांशन वाला जो है, जो बिजनेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है और उसके पास पैसा भी है और डिसीजन फट से ले सकता है, उसने बोला सबको चौकड़ी मारो, खाली इसको टिक करो, इधर ही फोकस करो, बाकी के बीच टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आज अलमदर 5 साल से सिर्फ वही फोकस लेके बैठा हूँ। कोई पूछ लिया भाई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, ठीक है, उसके पीछे मेरा एक कॉल भी नहीं जाएगा फॉलोअप का, सामने से आए आके ऑर्डर देख जा रहा है, ठीक है। मेरा सिर्फ फोकस जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एवरेस्ट मसाला है, कैच मसाला है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है, उनको मैं अपनी एक्सपर्टी समझा सकता हूँ, समझ भी सकते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट निकल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह मैं खाली मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आपका भी प्रोडक्ट जो है ना, हर आदमी अपने प्रोडक्ट का सेगमेंट देखिए, मैं कहीं गलत जगह तो पिच नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट का तो कोई अच्छा वैल्यू दे पा रहा है, लेकिन मैं मेरे पास टाइम नहीं वापस जाने के लिए। मैं अक्सर देखा है कि हम अपने बिजनेस बैठे, सामने वाले आके हमारे दरवाजे पे जो रेट दे दिया, हम उसके पास नहीं पहुँच रहे, टाइम ही नहीं है। एक बात गार्ड बांध लीजिए, कोई आके आपके दरवाजे पे आपको दे के जा रहा है ना, तो आपको सिर्फ आपका उसके पास अभी कॉस्टिंग होती है, थोड़ा प्रॉफिट देगा उसको, वो असल वो कमा लेता है। हमने जो पूरा सर्वे किया देखा ना, भिवंडी में देख लिया, पूरा लूम लेके बैठे हैं, इधर उधर पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ, तो पूरा मेहनत करने के बाद जो मिडिल मैन होते हैं ना, वो आपको आपकी मजदूरी दे देते हैं बस, और आप उसे मुतमिन हो जाते हैं, असल वो कमाते हैं, ठीक है ना, और आप उसी में स्ट्रगल कर रहे थे। कॉम्पिटिशन अक्सर बोलते हैं अच्छा उधारी में अटके बैठे हैं, लोग कहते हैं कि उससे पेमेंट एडवांस मांगो तो दूसरा देने के लिए बैठा है, मतलब उसने आपके जैसे 10 सप्लायर्स खड़े किए ना, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसके जैसे 10 कस्टमर खड़ा करो, अपने रेट पर बेचो, अपने टर्म्स पर बेचो, अपने सेगमेंट बेचो, अपने USP को मार्केट करो, और आपको जो USP उसके सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करिए, तब जाके आपको कॉम्पिटिशन से आप बाहर निकल जाएंगे आप। और रहता है अच्छा, अगर आपके अंदर कोई USP नहीं है, टारगेट ऑडियंस नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलता है, पूरा सैचुरेट हो चुका है ना, तो जबरदस्ती घसीटी भी मत बिजनेस को, कुछ और सोचिए, या नया सोचिए, नया प्रोडक्ट, या उसके अंदर कुछ नया, मतलब उस मल्टीपल ऑप्शंस पर बात की जा सकती है। तो मार्केटिंग जो है ना, उसके लिए जैसे मैंने बताया ना, ये फाइनेंस और मार्केटिंग, ये दो चीज़ के लिए एक फ्री माइंड होना चाहिए, ताकि उस पर बैठ सकें आप। अक्सर बोलता हूँ ना कि आप जो है ना, ये गले पे क्यों बैठे रहते हो यार, ये उससे फ्री हो, अरे करूँगा क्या फिर, उनको समझते हैं फाइनेंस और मार्केटिंग कुछ काम ही नहीं है। कस्टमर आके काउंटर पे ऑर्डर दे के जा रहा है बस, और क्या, मैं गले पे नहीं बैठूंगा तो मैं करूंगा क्या मैं, तो करने के लिए प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ग्रोथ प्लान्स करना है ना, वो कंसल्टेंट आके आपको नहीं बताएगा, वो रूल्स बता देगा, लेकिन आपको पूरा पता है किधर किधर क्या है, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ असल में, कोई बिजनेस जो तीन टांगों पर टिका हुआ है, जैसे बोलते हैं आपका ऑपरेशंस, जो आप प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करने एक्सपर्टीज आपकी, दूसरा है फाइनेंस, वो ठोस प्लानिंग, और तीसरा होता है मार्केटिंग, ये तीन में जो है ना आपको। तो सबसे पहले ये ऑपरेशंस जो है ना, हम क्या समझते हैं कि ऑपरेशंस, मुझे मैं काम बना रहा हूँ ना, असल बिजनेस ये है, ये सिर्फ 20% भी नहीं है। ध्यान रखिए, अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपर्टीज है ना, इट्स लेस देन 20%, बाकी 80% आपका मार्केटिंग एंड फाइनेंस है। ये प्लानिंग अगर आप ग्रिप हो गया ना, ये एक्सपर्टीज नहीं भी ना, आपको आउटसोर्स कर ले सकते हैं आप।
हम समझ रहे हैं कि मुझे जानकारी है धंधे की, ना धंधे की जानकारी मतलब उस प्रोडक्ट की सर्विस जानकारी है, ना फाइनेंस का ठिकाना, ना मार्केटिंग के इधर बिकता है, टारगेट ऑडियंस को पता ही नहीं है। इस पर काम करने की जरूरत है। बहरहाल ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो मैंने कुछ बातें बताई हैं, ये तो सरसरी, ये पूरे पूरे 5 साल की जर्नी मैंने 10-15 मिनट बातें रखी हैं, तो इससे आपको कनेक्ट होने के लिए विफा का, जैसे आपको कोई भी मसला हो ना, एक अलग डिपार्टमेंट, बिजनेस स्केल अप डिवीजन है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको चैलेंजेस है ना, आप कनेक्ट करिए। कुछ मोटी मोटी बातें तो हम लोग बता देंगे, कुछ कंसल्टेंट्स भी हमारे पास हैं जो फ्री में कुछ मशवरे दे देंगे। आपको थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो पेड सर्विस पर आपके पास आके बैठ के आपकी चीज़ों को सेट करके दे देंगे आपको। तो ये हमारा बिजनेस स्केल अप डिवीजन है, स्टार्टअप डिवीजन है, हमारा नया कारोबार शुरू करना है, कुछ खाका जहन में कैसे करें क्या करें, तो उसको कैसे थॉट्स को पेपर पर लाना, इंप्लीमेंट करना, गवर्नमेंट एजेंसी कनेक्ट करवाना, हमारा बैकएंड पे वो टीम काम करी पूरी इंडिया में, जैसे आप पवार साहब हैं और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज हमारे पास बिजनेस क्लस्टर का है, बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का आपका सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स है। आप अगर उसको सर्विस लेना चाहें तो आप कुछ नहीं करना है, जो मसला, कुछ सवाल इंशाल्लाह मैं लूँगा अभी, इसके बाद भी अगर कोई मसला आपका है ना, आप सीधे साइट पे चले जाइए rifa.org पे, जो साइट हमारा दिया रिफा जॉब ने, हाँ ये हमारा साइट है, ये rifa.org, ये rifa.org साइट पे जाइए, आपको फ्रंट पेज पे ब्लू बटन दिखेगी हाउ कैन आई हेल्प यू, क्लिक करिए, आप अपना नाम, नंबर, ईमेल और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और अपना मसला वहाँ रख दीजिए, सबमिट कर दीजिए, बस 24 घंटे में आपको बैकएंड से कॉल आ जाएगा, आपका मसला समझा जाएगा, या तो हमारी बैकएंड टीम आपको बता देगी या सही जगह पर कनेक्ट कर देगी आपको। ऐसा रेयर होता है कि कोई मसला हमारे पास आया हम उसको सही जगह कनेक्ट नहीं कर पाए, कितनी बड़ी चीज़ है एक, जब आप बिजनेस करते हैं छोटे छोटे मसले भी पहाड़ होते हैं ना। आज से मैं 25 साल पहले की बात करूँ, पहला मेरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया था नाइजीरिया का, इतना परेशान था यार, एक्सपोर्ट कैसे होता है, ये LC किस बला का नाम है, वो फॉरेन एक्सचेंज पैसा, वो नॉस्टो अकाउंट में डॉलर्स में रुपीज़ कैसे आता है, वो सब सारे प्रोसेस इतने पहाड़ थे। आज कुछ चीज़ नहीं है, आज कुछ कॉल आता है अफजल बाजार एक्सपोर्ट के बारे में, एक चुटकी बजा के 2 मिनट से बता देता हूँ उसको। तो लेकिन ये चीज़ें जो है ना, तो आपके लिए मतलब एग्जाम्पल जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं फाइनेंस के ताल्लुक से। अक्सर लोग समझते हैं कि भाई रिफा में कुछ फाइनेंस मिलेगा, मामला क्या है, मैं ये लास्ट पॉइंट बहुत अहम है जो शुरू में करना था। अक्सर लोग फाइनेंस, जो पहले बात है फाइनेंस के लिए बात आई थी, फाइनेंस मिल जाए बस, मामला क्या है, जितना मसला फाइनेंस लेने वालों का है ना, उससे ज़्यादा बड़ा मसला आज फाइनेंस लेके लोग बैठे हुए हैं, उनके पास अच्छे ऑप्शंस नहीं है अपने बिजनेस को इन्वेस्टमेंट के लायक बनाना। एक तो आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लायक अगर है, प्रॉफिटेबल है, स्केलेबल है, इन्वेस्टमेंट वर्दी है और स्ट्रक्चर्स अगर हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फंडिंग ना मिले ना। फंडिंग अगर नहीं मिल रही है मतलब बिजनेस में कुछ तो कमी है आपके डॉक्यूमेंटेशन में। प्रॉब्लम क्या है, जब बैंक को अप्रोच करते हैं तो बैंक जितना चीज़ बोलती है, ये पेपर लाओ, 3 साल की बैलेंस शीट लाओ, ये लाओ, पूरा वहाँ करेंगे और उसके बाद और पूरा सिक्योरिटी कोलैटरल रख के बैंक पूरा साइन करा के 50 डॉक्यूमेंट साइन करा के आपको हथकड़ी लगाने तक का प्रोविजन लेके वहाँ पूरा खुशी खुशी करते हैं। बाहर जब चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा चेहरा देख के ना, हमारे दाढ़ी देख के हमको पैसा दे दो, कुछ 2-4 बातें, मीठी मीठी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके कन्विंस करके, और कितने के हिसाब को दिखा सकते हैं आपस में भरोसे में, अच्छी अच्छी बातें करके, कोई टर्म्स नहीं, मामला गड़बड़ हुए हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग। अरे प्रॉफिट शेयरिंग का तुमको प्रॉफिट निकालना आता है क्या, आप पैसा लगाओ हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, इतना टका प्रॉफिट देंगे, मामला प्रॉफिट इतना कॉम्प्लेक्स है कि तुमको खुद प्रॉफिट निकालना आता नहीं है। अगर तुम्हें ईमानदार है, प्रॉफिट निकाल भी लिया, सामने वालों को समझता है क्या प्रॉफिट का तुम्हारे बैलेंस शीट, अच्छा उसके बाद भी समझता भी है तो भी आपके एक्सपेंसेस के ऊपर आपने जो एक्सपेंस किए, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वाले इन्वेस्टर बोले ये खर्चा क्यों किया, क्यों किया, ये तो आपको बाद में फायदा मिलने वाला है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो कैसे स्ट्रक्चर करना प्रॉफिट शेयरिंग, तो इस्लाम में और भी ऑप्शंस हैं, मुराबहा, इजारा है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग स्ट्रक्चर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका बिजनेस के पास प्लान, अक्सर लोग क्या कहते हैं, आप पूछता हूँ आप इन्वेस्टर क्या देंगे, जो इन्वेस्टर बोले, ऐसे जो इन्वेस्टर बोले इन्वेस्टर नहीं बोलता है, आपको अपना बिजनेस प्लान बताना पड़ेगा, ये मेरा बिजनेस प्लान है, ये फंडिंग लगाने से इतना इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट जो है आइदर मुराबा, मुशारका, इजारा, किस स्ट्रक्चर करके उसको जो सूटेबल हो, इक्विपमेंट सही है तो आप इजारा कर सकते हैं, ट्रेडिंग वाला मैटर है आप मुराबा कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे बिजनेस फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं करने की वजह से जो फंडिंग रुकी हुई है। तो ये चीज़ें हम लोग एक बिजनेस फाइनेंस वो गाइड करता है। तो बहरहाल शॉर्ट में ये तो स्कैटर्ड कुछ बातें थी, तो आपसे दरखास्त है कुछ ओपन सेशन में कुछ सवाल करें, और ये तो सिर्फ एक क्या कहते हैं, सिर्फ टच करके आपको हम जा रहे हैं टॉपिक को, आप बाद में भी आप जुड़ें, रिफा से कनेक्टेड रहें, हमारी वेबसाइट भी है, लोकल टीम से आप जुड़े रहें, और हर हफ्ते
आप लोग मिल रहे हैं, खैर मुझे ताज्जुब हो रहा है, एटलीस्ट महीने में भी अगर सब बिजनेस मैन आप बैठे ना, आप आपस के चैलेंजेस जो है ना, आपस में नेटवर्किंग, एक आदमी, हमारी बहुत से नेटवर्क मीट्स हो रही है, बैंगलोर में हो रही है, हैदराबाद, मैसूर, बॉम्बे में हो रही है, उसमें क्या नेटवर्क मीट्स क्या होता है कि जितने लोग बैठे हैं, आज वक्त नहीं मिला तारुफ कराने का, नेटवर्क मीट में यह होता है कि हर आदमी अपना तारुफ देता है 50 सेकंड के अंदर, मेरा नाम ये है, मैं ये प्रोडक्ट करता हूँ और इस तरह कस्टमर से ये, दूसरा बोलेगा, तो जितने लोग बैठे हर आदमी आपको, ये सब आपके सेल्समैन बन जाएंगे और हर आदमी रेफरल देगा लेगा, तो विद इन द ग्रुप भी बहुत सारे बिजनेस जनरेट होते हैं, फ्री में इतने सारे सेल्समैन मिल जाते हैं आपको, ये नेटवर्क मीट होती है, ये सेल्समैन साथ में आपको पूरे इंडिया का नेटवर्क मिलता है, वो मार्केटिंग मिलती है। फिर जैसा अभी गुलबर्गा में एक्सपो हो रहा है, आपको पूरे इतने 18 स्टेट से, 10-12 स्टेट से लोग आ रहे हैं, वो कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। तो इतने सब के बावजूद भी अगर आप ग्रो नहीं करें तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी और कुछ नहीं है। और ये मैं फिर कहता हूँ कि आप जो है इंसानियत को बहुत कुछ दे सकते हैं, अपनी सुस्ती, काहली, लापरवाही, और कुछ लोग इन इन्वर्टेड कॉमास दिनदारी की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो आखिरत में आपको जवाब देना पड़ेगा। वाखरो दावना अनंदर गांधी जी, क्या मतलब है इसका? सवाल जवाब शुरू करते जी, तो हम लोग ओपन सवाल जवाब ले लेते, ठीक है ना जी, आपका सवाल क्या जी? अच्छा, ये मैं इसमें, ये मुझे दे दीजिए, ये ऑर्डर दे दीजिए, इसमें यहाँ रख दीजिए जी, हम लोग ओपन करते हैं सवाल जवाब जी, ये माइक चल रहा है क्या? देखिए चालू कर, नहीं हो रहा, चालू किया मैंने, अच्छा थोड़ी देर में चालू होता है क्या जी? जी ले सवाल सवाल कर रहे हैं हमारे साथी, माइक उनको जरा दे दे, बेहतर है। और देखिए सवाल खुल के करें, ये सब चीजें कोई वस्सलाम जी, प्रॉफिट का आप बोले, प्रॉफिट निकालने के बारे में, तो वो प्रोडक्ट वाइज जैसा प्रॉफिट लॉस, उसके अंदर कुछ गाइडेंस मिल सकता है क्या आपके पास? मैं समझा नहीं, फिर से बोले, आपका नहीं, मैं क्या बोलूँ, जनरल गाइडलाइंस नहीं, आप अपना प्रोडक्ट बताइए ना, आप क्या करते हैं, क्योंकि बहुत वेरी होता है ना, आपका प्रोडक्ट क्या है? का काम है सर, किसका? बेकरी काम है, ठीक है, मार्केटिंग करते हैं बेकरी जी, प्रोडक्शन भी है और मार्केटिंग भी जी, उसमें जैसा प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है, एक एक्सपायरी जाती पूरी ब्रेड बनाते तो शॉप पे देने के बाद देखिए, गाइडेंस जो है ना, प्रॉफिट क्या है, आप एक एक्स अमाउंट पर चीज बेच रहे हैं ना, ठीक, अब वो सेलिंग प्राइस जो है ना आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, मैं ज्यादा प्रॉफिट में रखेंगे तो खरीदेगा नहीं कोई, है ना, तो सेलिंग प्राइस जो है ना, सबसे पहले आपका सेलिंग प्राइस मार्केट के स्टैंडर्ड से अगर आप थोड़ा बेहतर हैं, आपका निश ऑडियंस है, निश कस्टमर्स है, वो थोड़ा वैल्यू देना चाहता है, तो सबसे पहले अपना प्राइस फ्रीज करिए, है ना। अच्छा, अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए नहीं है ना, एक आप खेल रहे हैं जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जहां लो वैल्यू प्रोडक्ट हैं, तो आपका प्रॉफिट आप डिसाइड नहीं करें, आप सेलिंग प्राइस आपको वहां उतरना पड़ेगा। अब फिर बात आती है कॉस्टिंग के ऊपर, है ना, तो अगर ये होता है कि आप जो है उस माल को तैयार करने के लिए आपके पास वॉल्यूम्स नहीं है ना, वो सामने वाला जो है वो तो थोक भाव में ले रहा है, आप थोड़ा ले रहे हैं, उसकी कॉस्ट ज्यादा है, हो सकता है वो 4-5% में जो बेच रहा है आपको खरीदी नहीं पड़ रही उसकी, ठीक है ना, तो ऐसे जो मार्जिन बिल्कुल जहां ग्रॉस मार्जिन है ही नहीं ना, तो या तो ग्रॉस मार्जिन बढ़ाइए, कैसे बढ़ाने के लिए, या तो प्राइस बढ़ाइए, वो सेगमेंट शिफ्ट कर बड़े सेगमेंट में जाइए, और वर्स्ट के सिनेरियो में आपका ये है, तो अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, जो कि इम्कान बहुत कम है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो उस कंटिन्यू करना बिजनेस में फजूल है। देखिए मैं बोल रहा हूं, अगर कस्टमर में ना आप कस्टमर को देने के लिए ना डिस्काउंट और उधारी है ना, ये दो के अलावा अगर आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, आप खड्डे में जा रहे हैं। और अक्सर बोलते हैं हम क्या देंगे कस्टमर को, बस वो डिस्काउंट दे देंगे, उधारी देंगे, इसके अलावा कुछ तो नहीं है, मतलब आप भी बहुत डेंजर जोन में खेल रहे हो। कस्टमर कोई जरूरत आपको, जो प्रॉब्लम हो ना कोई तो जरूरत उसकी आपको पकड़ना पड़ेगा, प्रॉम डिलीवरी हो सकती, क्वालिटी हो सकती, सर्विस हो, कुछ भी आप लिस्ट आउट करिए, आप सोचेंगे ना, बोले ना रूटीन से बाहर निकलो, सोचो मैं कस्टमर को और क्या दे सकता हूँ, कस्टमर बजा के बैठो, भैया मैं क्या करूँ, क्या आप मेरे को ऑर्डर बढ़ाओ, आपका तकलीफ क्या है, वो प्रॉब्लम बताएगा, नोट करो कैसे कर सकते हैं, तो ये सब काम करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आपको सेलिंग प्राइस आपके हाथ में जी, जैसे
ये तो मार्केटिंग की बात हो गया जी, मैं अकाउंटिंग में पूछ रहा था, जैसे कि अभी मैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं जी, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना जाएगा? अच्छा समझ गया मैं, अच्छा मैं कॉस्टिंग कैसे करना, ठीक ठीक ठीक। देखिए बिजनेस में कैसा होता है ना, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आप टैली जो लोग यूज करते होंगे ना, आपका पहले सेल होता है, बाजू में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। जैसे मैं अगर मशीन बनाता हूं तो मशीन बनाने के ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर क्या होता है, आपके फिक्स, आपको प्रिमाइस भाड़ा देना है, बिजली बिल भरनी है, स्टाफ का पैसा देना है, धंधा हो ना हो ये फिक्स एक्सपेंस तो है ही, है ना। तो आप एक ग्रॉस प्रॉफिट में सकते हैं कि आपके तजर्बात से आप नहीं चाहते लोग फायदा उठाएं, आप नाम लिखाएं, तो इतनी लंबी लिस्ट हो गई है ना कि मशवरा देने वालों की लिस्ट, उनके पास केसेस नहीं है, तो आप लोग केसेस देंगे ना हमारे पास, तो मसला कॉमर्स है, दलित, बहुत सारे कॉमर्स है, तो कोई भी चेंबर ऑफ कॉमर्स किसी भी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती, ये एक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है बस, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे रिफा कोई बिजनेस करे तो रिफा कोई बिजनेस नहीं करेगी। मेरे दो सवाल थे छोटे से, एक तो सेक्टर में आपको जो है हेल्प मिली, तो ये कितना वर्थ है कोचिंग कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने में या फिर उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में आपको कितना फायदा हुआ, ये छोटे। ठीक है, मतलब दोनों सवाल जुड़े हुए हैं कि बिजनेस कोचिंग लेके मुझे कितना फायदा हुआ, नेक्स्ट लेवल लेके जाने पे कितना फायदा, दोनों तकरीबन। तो थाने में मैं जाता था, दो महीने में उसका एक लेक्चर होता था, उसका बंदा आके हर महीने मेरे पास इंप्लीमेंट करता था।